आज का दिन लेवल 1 और लेवल 2 का आखिरी दिन होगा, लेकिन ये आपका पहला दिन है। आज से होगी आपके जीवन की शुरुआत। आज होगा आपके लिए वो दिन जिसका था जन्मों जन्मों से इंतजार। क्या बोल रहा हूं मैं, जन्मों जन्मों से इंतजार। आज का दिन क्या है? आज आज होगा आपके आध्यात्मिक जीवन का जन्म की शुरुआत। जन्म नहीं होगा, जन्म की शुरुआत होगी, आध्यात्मिक जन्म की शुरुआत। तो फिर जन्म कब होगा? क्या हमारा आध्यात्मिक जन्म सचमुच होता है? क्या कोई भी व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है? और इसका जवाब है यस, यू कैन आल्सो, आप भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं सटीक भाषा में आपके साथ में रखूंगा। आज का दिन हमारा बहुत खास है। आज मैं आपके घर आने वाला हूँ, आज मैं आपके घर आने वाला हूँ, और आज मैं आपको स्पर्श करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ बैठकर आपका पेन खींच सकता हूँ, मैं यहाँ बैठकर आपके शरीर के पेन को 80, 50, 60, किसी किसी को 100% आराम दे सकता हूँ, तो क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ? मेरा शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन मेरी चेतना तो कहीं पर भी जा सकती है ना। और ये चेतना क्या होती है, कैसे हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ये आज आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस रेकी के आगे बढ़ेंगे, रेकी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। हमारी चेतना, चेतना का सफर, आगे का जीवन, 4,000 फीट का टावर। आज मैं आपके सामने रखूंगा ऐसा विषय जो आपके लिए हो सकता है बहुत नया, एकदम नया हो सकता है। आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, और आपके आपने कभी उसके बारे में पढ़ा भी नहीं। ये मेरे गुरुजी और गुरुमा का आशीर्वाद है जो गले में आप देख रहे हो। ये दुपट्टा मुझे मेरे गुरुजी ने पहना था और मुझे आशीर्वाद दिया था कि जा, मानव कल्याण के लिए जितना कर सकता है कर ले, और रेकी का प्रसार और प्रचार जितना कर सकता है कर ले। और मैंने उस दिन कसम खाई थी मैं रेकी को घर घर फैलाऊंगा, ना कि भारत भर बल्कि पूरे विश्व भर फैलाऊंगा, और मैंने विश्व रेकी अभियान नाम रख दिया। लोग कृष्णा रेकी, रुक्मिणी रेकी, दुर्गा रेकी, नारायण रेकी, अलग अलग नाम रखते हैं। मैंने नाम नहीं रखा, मैंने गजानन रेकी नहीं रखा, मैंने रखा विश्व रेकी अभियान। ये पूरे विश्व का अभियान है। इस विश्व के अभियान में आप लोग भी अभी हिस्सा ले चुके हो। आपका यही प्रयास रहना चाहिए कि जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ सके रेकी में, उतने लाख ज्यादा लोगों को जोड़े। आप सिखा सकते हो तो आप सिखाए, मास्टर कोर्स करे, मास्टर कोर्स के बाद में आप शक्तिपात करना, सिखाना, सब कुछ आपको आ जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं गुरु वंदना करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, मैंने जिन लोगों से कुछ सीखा है उनको धन्यवाद, आपके परिवार का, मेरे परिवार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, सभी के माता पिताओं को धन्यवाद, आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद। थैंक यू। भगवान बोलेंगे क्या बोल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं उसको बोलूंगा, तूने तो बोला था कि धन्यवाद बोलने से एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। हम सोचते हैं भगवान को
सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इतनी सम्मान पूर्वक भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका ही तत्व है, वो आपके अंदर है। डर डर के बात नहीं करनी चाहिए, भगवान को कैसे बोलो, क्या बोलो, मंदिर में जाते हो डर डर के कि कुछ हो गया क्या, भगवान देख रहा होगा क्या। हम ये लोग इतने कलाकार हैं, कितने कलाकार हैं हम लोग, कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के लिए आगे जाने के लिए इसको डोसा लगाते हैं, उसको ठूसा लगाते हैं, किसी से झगड़े भी करते हैं, बहस भी करते हैं, मेरा नंबर था तुम्हारा नंबर नहीं था, तुम मेरे आगे कैसे आ गए, वगैरह वगैरह चीजों को हम लोग करते हैं। और वो इसके लिए करते हैं कि भगवान को मैं दिखना चाहिए, भगवान को मैं दिखना चाहिए, मुझे भगवान ने देखना चाहिए कि अरे मेरा भक्त आ गया। हम देखते तो है भगवान को कि उसको उसने देखना चाहिए मैं आ गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पहले भी देख रहा था किसको डोसा मारा। नहीं, तब भगवान नहीं देख रहा था, भगवान कब देख रहा था, जब वो तुम आगे गए, तुमने किसी को डोसा मारा, किसी को झगड़ा किया, किसी से गाली गलौज की, तब भगवान नहीं देख रहा था, लेकिन तुम आगे आगे तो भगवान देख रहा है। वो अरे इंसान इतना भगवान को कमजोर, और इतना भगवान को आप जैसा चाहे वैसा मोड़ दो, ऐसा नहीं है। भगवान ये पंच तत्व है, भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, भगवान। और पंच तत्वों का भगवान भी 70% पानी है पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, और तुम्हारे अंदर। हमारे अंदर 70% पानी है भगवान के, मतलब पृथ्वी के अंदर भी, प्रकृति के अंदर भी 70% पानी है, और पूरे ब्रह्मांड में 70% पानी है। ब्रह्मांड का आभामंडल अंडाकृति है, पृथ्वी का आभामंडल अंडाकृति है, और हमारा मंडल भी आधा अंडाकृति है। तो इस भगवान ने जब हमें पैदा किया, देखो आज का विषय थोड़ा अलग है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चुभेगा जरूर। इस भगवान ने हमें पैदा किया तो हमें उसके जैसे बनाकर ही भेज दिया कि ले मेरी सारी शक्तियां तुझे ले ले और जा मजे कर ले। लेकिन पैदा होने के बाद हमें इतना डराया गया है कि तुम्हें राहु, शनि, केतु, मंगल, गुरु, जैसे कि हमारे पीछे भगवान ने छोड़ दी कि तू नीचे जा बेटा, तेरे पीछे शनि, राहु, केतु को मैं शस्त्र अस्त्र लेकर भेजता हूं तुझे परेशान करने के लिए, 7.5, 8.5 क्या क्या लगा रखा है। और हम भी अंधश्रद्धा के जैसे पीछे भाग रहे हैं, धारणा मान्यताओं को तोड़ने का अभी भी हमारा मन नहीं हो रहा है, अभी भी हम नींद में सोए हुए हैं। तो दोस्तों नींद में जागने का समय आ चुका है। ये हमें डराया धमकाया गया है इन ग्रहों के माध्यम से, हमें डरा डरा कर, डरा डरा कर हम जी रहे हैं। भगवान ने हमें डराने के लिए नहीं पैदा किया, भगवान ने हमें गरीब रहने के लिए नहीं पैदा किया, और भगवान ने हमें बीमार, दुखी, चिंतित, परेशान रहने के लिए नहीं पैदा किया। तो भगवान ने हमें उसके जैसा बनाने के लिए पैदा किया, लेकिन हम भूल गए। लेकिन आज क्या करना है, रेकी में आ गए आप लोग, मैंने बोला था रेकी में आप ऐसे ही नहीं आते, आज क्लियर हो जाएगा। आप रेकी में आ गए, अब क्या होगा, रेकी तो आप करेंगे, उपचार तो आप यूं करेंगे चुटकी बजा के, हाथ रखो कोई भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में और आपको क्या मिलेगा। और इसके साथ आपको मिलेगा 4,000 फीट का टावर, 4,000 फीट का टावर, ये क्या होता है भाई, सुन लेना जरा, 4,000 फीट का टावर क्या होता है। एक बहुत बड़ा मॉल है एक शहर में, और वो शहर में वो मॉल बीच शहर में है, चारों तरफ चार रास्ते आते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ से चार रास्ते उस मॉल की तरफ आते हैं। उस मॉल के अंदर लोग परचेस करने गए और आप भी चले गए, आपने परचेस कर लिया, करते करते दो चार लोग पूरब की तरफ से दौड़ते दौड़ते आ गए, और उन्होंने बोला कि पूरब का रास्ता जाम हो गया, वहां पर पुलिस आ गई, वहां पर कर्फ्यू लग गया, आप थोड़ा सा डर गए। पश्चिम की तरफ से दो तीन लोग आ गए, उन्होंने बोला पश्चिम का रास्ता भी बंद हो गया, जाम हो गया, पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया, आप ज्यादा डर गए।
उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से भी लोग आ गए और उन्होंने बोला कि चारों रास्ते बंद हो गए, आप पूरे डर गए और आपने परचेस करना बंद कर दिया। मॉल के अंदर जो भी आप परचेस कर रहे थे आपने परचेस करना बंद कर दिया और आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं घर कैसे जाऊं, मैं गाड़ी कौन से रास्ते से निकालूं, क्या मेरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वगैरह वगैरह चीजें आपने सोचना शुरू कर दी और जो परचेस करना था उसमें से आपका ध्यान निकल गया। हमारा जीवन यही हो रहा है अभी, आप लोगों के या मेरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में यही गड़बड़ हो रही है। हम डर डर के जी रहे हैं, हम डर डर के मर रहे हैं। मॉल का मालिक इतना अनोखा था, उसने क्या कर दिया, उसने अपने मॉल के बाहर एक टावर लगा दिया जिसके अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है और वो है 4,000 फीट का टावर, उसके ऊपर लिखा हुआ है 4,000 फीट का टावर। वो क्या करता है, जो लोग डर गए जिन्होंने परचेस बंद कर दिया, वो उन लोगों को लिफ्ट में बैठाता है, ऊपर लेकर जाता है, वो लिफ्ट का बटन दबाकर, लिफ्ट जैसे ही ऊपर गई वो बताता है कि देखो ये मेरा मॉल, ये इसके तरफ आने वाला वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये 4 रास्ते, अब देखो 4 रास्ते में कहाँ गड़बड़ है। आप जब 4,000 फीट के ऊपर आप जाते हो, डरने वाले लोग जो डर गए थे वो 4,000 फीट के ऊपर जाकर देखते हैं और वो देखते हैं कि अरे भाई सचमुच यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरब का रास्ता क्लियर है, पश्चिम का क्लियर है, उत्तर दक्षिण का चारों रास्ते क्लियर है, ट्रैफिक चल रही है, गाड़ियां चल रही है, बढ़िया सा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो लोग हमें क्यों डरा रहे थे। ये जब आप समझ जाते हो तो फिर आप आराम से परचेस करते हो, अपनी गाड़ी निकालते हो और धीरे धीरे घर जाते हो। यही हमारा जीवन है, हम जी रहे हैं डर डर के, वायरस को जी रहे डर के, कैंसर को डर रहे, बीपी को, शुगर को, ना जाने कितनी बीमारियों को हम डर डर के जी रहे, डर डर के खा रहे हैं। कोई डर के जीने की जरूरत नहीं और कोई डर के खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे जीना है और कैसे खाना है, क्योंकि ये मैंने किया प्रूफ के साथ। तो जो टावर के अंदर आप परचेस कर रहे थे फिर आपने परचेस करना शुरू कर दिया, यही हमारा जीवन है। इस जीवन में देखो हम डरे हुए हैं, चिंतित है, परेशान है, बीमार है, दुखी है, असहाय है, तो इसका मतलब एक ही है कि आपके जीवन में 4,000 फीट का टावर नहीं बना। 4,000 फीट का टावर बनने का मतलब है जब आप आपके जीवन में बनते हुए 4,000 फीट के टावर के ऊपर जाते हो और वहां से जब आप आपके जीवन को देखते हो, अरे मेरे जीवन में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब बीमारियां, दुख, दर्द, परेशानी, डर, असहायपना, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरा क्लियर है। फिर मुझे कैसे लग रहा था कि मैं बीमार रहूंगा, चिंतित रहूंगा, दुखी रहूंगा, डरा हुआ रहूंगा, ग्रह को डरूंगा, वायरस को डरूंगा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अंदर का रावण है, ये तुम्हें डरा डरा के मार रहा है और इस रावण का अंत करने का समय आ चुका है। रिकी सीखने के बाद आप रावण को अंत कर देते हो, दशहरा मनाते हो। आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय के माध्यम से आपके जीवन में रावण पनपता है, ये आपको परेशान करता है, ये आपको परेशान करता है, आप डर डर के जीते हो। लेकिन आपके जीवन के अंदर जो टावर बनेगा और उस टावर के ऊपर जाकर जब आप आपके जीवन को, आपके जिंदगी को देखेंगे, अरे यार मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है भाई जो अभी तक मैं देख रहा था, अरे बीमार पड़ना, हॉस्पिटल में जाना, कैंसर होना, हार्ट अटैक आना, थायराइड होना, गैंग्रीन होना, टेंग्रीन होना, अरे मेरे जीवन में ये कुछ भी नहीं रे भाई, मैंने मेरे जीवन को आईने की तरह देख लिया रे, जाग गया। और जब मैं इस टावर के ऊपर जाकर बैठा और मैंने देखा कि ये टावर के नीचे जाकर देखा मैंने मेरे जिंदगी को, अरे मेरे जीवन में दुख, दर्द, परेशानी ये है ही नहीं तो लोग क्यों डर रहे हैं, अरे ग्रैंड मास्टर, मास्टर, ना जाने कितने क्या क्या विद्याएं सीख रहे हैं जी, डर डर के जी रहे हैं। तो दोस्तों मेरे से रहा नहीं गया और मैंने 4,000 फीट के टावर का निर्माण हर उस व्यक्ति के जीवन में करने का फैसला किया
जिसने रेकी के साथ जुड़ना पसंद किया। विश्व रेकी अभियान का रेकी सिखाना दुनिया से अलग हो सकता है। मुझे नहीं मालूम रेकी में क्या है, लेकिन मुझे मैं इतना मालूम है कि रेकी में वो चाबी है जिससे मेरा भाई, मेरा बहन जो गरीब है, पैसे नहीं दे सकता है लाखों रुपए, वो विश्व रेकी अभियान में बुद्धत्व को प्राप्त जरूर कर सकता है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और ये मेरे अनुभव है। मैं आपके जीवन में वो 4,000 फीट का टावर बनाने के लिए कुछ लेकर आया हूं। सबको पता है कंस्ट्रक्शन करना है टावर का तो क्या क्या लगेगा, ईंटें लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, गिट्टी लगेगी, भूमि लगेगी, इंजीनियर लगेगा, लेबर लगेगा, पानी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ये चीजें जो दोस्तों टावर बनने के लिए हमको चाहिए, ये चीजें हम अगली लेवल में इकट्ठा करते हैं। इस लेवल में आपको टावर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अगली लेवल में हम चीजें इकट्ठे करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जिसको कि टावर बनाने के लिए हमारे काम में आएगा। और उसके आगे के लेवल में हम टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, और उसके आगे के लेवल में ये टावर हमारे जीवन में बन जाता है, जिसको कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल करता हूं। मेरा ग्रैंड मास्टर किताब भी ग्रैंड मास्टर नहीं होता, मेरा ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट वाला नहीं होता। सर्टिफिकेट तो उसको दे देते हैं हम, लेकिन वो दीवार पे टांग के कभी नहीं बोलेंगे कि मैं ग्रैंड मास्टर हूं। लोग उसको बोलेंगे कि तुम सचमुच रेकी के ग्रैंड मास्टर हो। ये हमारी विशेषता है। क्यों? क्योंकि हम आपके अंदर की चीजों को किस तरह से टावर बनाना है ये हम आपको सिखाते हैं। ये 4,000 फीट का टावर हर व्यक्ति के जीवन में बनता है जो बनाना चाहे, जो बनाना चाहे। अब टावर बनने का अगर आपको चाहिए आपके जीवन में ये टावर, कि बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, दर्द, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो टावर बनाओ। और टावर बनाने का मटेरियल जो है वो थर्ड लेवल में मैं आपको दूंगा। साधना प्राप्त, साधना करने लगाऊंगा, सिद्धियां प्राप्त करने लगाऊंगा, थर्ड आई की पावर, टेलीकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, साइकिक सर्जरी, भूत प्रेत को निकालना, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, आपके चुटकी का खेल हो जाएगा। चुटकी का खेल आपके पास में और 2 सिंबल आएंगे लेवल 3 में। ये तो हो गया मेरे टावर के बारे में। अभी ध्यान रखना, मैंने आज आपको टावर के बारे में बोला, आने वाले लेवल में हम इसका मटेरियल इकट्ठा करेंगे, ईंटें, सीमेंट, रेती, गिट्टी, पानी, इंजीनियर, सब कुछ। उसके आगे के लेवल में कंस्ट्रक्शन करेंगे और ग्रैंड मास्टर में हम जाकर बैठेंगे इसके ऊपर। मेरे कई ग्रैंड मास्टर इसके ऊपर जाकर बैठे हैं और वो अपने जीवन को देख रहे हैं, भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग क्यों डर रहे हैं? हम तो वायरस को भी डरते हैं, कोरोना को डरते हैं, कोरोना को इतने डर डरते कि मुंह को क्या क्या लगा रहे हैं, घूम रहे, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी 2 तरह से आती है, आंखों से, कानों से, मुंह से बीमारी नहीं आती। हाँ, ध्यान में रखो, डीएमआर का बनियान बेचना है, रोड पर 100 खंभों के ऊपर डीएमआर की फोटो लगाने का मतलब क्या है, जरा दिमाग लगाओ ना। डीएमआर की बनियान अगर बेचनी है तो एक जगह लिखो ना, हर खंभे पे क्यों डीएमआर 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 लिखते हो? आप जाते हो, देखते हो डीएमआर डीएमआर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रोग्रामिंग हो जाता है, वो पिक्चर आपके दिमाग में आ जाता है। और जब आप बनियान या अंडरवेयर लेने जाते हो तो डीएमआर नहीं क्या भैया, एक बार जरूर पूछते हो। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से काम करती है, और हमारे जैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। रेकी सीखने के बाद अवेयरनेस आने का मतलब है जागृत होना, अपने माइंड की ताकत समझना। आपके पास में 2 माइंड है, पहला है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन और अचेतन मन का साइंस रेकी में लेवल 3 में सिखाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। आपने अलाउद्दीन और जादू का चिराग की कहानी सुनी होगी। अलाउद्दीन और जादू का चिराग का मतलब है एक ऐसी ऐसी चीज जो मन चाहा आपको ला कर दे, जो आपको चाहिए वही ला कर दे, और ये जादू का चिराग आपके अंदर है। ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा नहीं। पहले लेवल से लेकर ग्रैंड मास्टर तक जितनी भी कोर्स आपके साथ करूंगा, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर बोलूंगा विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो।
इस जादू का चिराग तुम्हारे अंदर है और ये जादू का चिराग तुम्हें तुम्हारे हाथ में देने के लिए तड़प रहा है, लेकिन इसके पास जाने का रास्ता तुमको किसी ने नहीं बताया, उसके कारण तुम नहीं जा सकते, वहां पे नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास में जो अचेतन मन है ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके बीच में टांग अड़ाने वाला मन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं चेतन मन। चेतन मन क्या करता है? तर्कवादी मन होता है, ये तर्क वितर्क करता है और हमारी जो मनोकामना होती है, हमारी जो विश होती है, हमें जो चाहिए होता है जीवन में, वो हमें ये प्राप्त नहीं होने देता, क्योंकि ये हमें रोकता है, ये टांग अड़ाता है। जैसे कि एक ऑफिसर ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जाने के बाद में ऑफिसर उसके ऊपर साइन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ऑफिस पर एक डॉग बैठा हुआ है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो फिर आपको आपका काम नहीं होगा। तो उस डॉग को आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो उसको बिस्किट देना पड़ेगा, एक तो उसको क्लोरोफार्म सुंघाना पड़ेगा, एक तो उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये तीनों में से चीजें जब आप करते हो तो वो जो डॉग है वो सो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और उसके बाद तुम ऑफिस में जाकर अपना काम करके आते हो। यही चेतन मन और अचेतन मन का विज्ञान है। हमारा चेतन मन हमेशा जागृत रहता है, सतर्क रहता है, तर्कवादी रहता है। आपने बोला कि मैं बहुत अमीर हूं, बोलता काहे का अमीर है, और टांग अड़ाता है। इसने साइंस को नहीं समझते, लेकिन मैं आपको जो मंत्र दूंगा उसके बाद में आप साइंस को समझ जाएंगे। व्हाट इज द साइंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड? आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, वही घटित होता है। लेकिन आप जब बोलते भी हो कि मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं बहुत, जो जो आप बोलते हो ऐसा बोला, आपको सिखाया जाता है कि ऐसा बोलो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे इसीलिए नहीं होता कि आपको इसका मेन पॉइंट कोई नहीं बताता, और वो मेन पॉइंट है आपका चेतन मन रुकावटें पैदा करेगा। आपने बोला मैं अमीर हूं, वो बोलेगा काय का अमीर है। आपने बोला मैं ईश्वर की संतान हूं, काय का ईश्वर की संतान? तो तेरे बाप की संतान है, तेरी माँ बाप तो घर पे है, तू काय का ईश्वर की संतान? ईश्वर मंदिर में होते हैं, भगवान है, भगवान से ऐसा कोई नहीं है, तू तो बिल्कुल नहीं। तर्कवादी, उसको जो बचपन से आज तक सिखाया गया, उसको जो जन्मों जन्मों से सिखाया गया, उसी के ऊपर हमारा जो चेतन मन है वो काम करेगा, हमारी बुद्धि काम करेगी और हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन जो डॉग है, जो चेतन मन है, वो तुम्हारी विश, जो असंभव विश है, जो असंभव काम ऑफिस में जाकर तुम करके आने वाले थे, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें डॉग को क्या करना पड़ेगा? एक तो बिस्कुट देना पड़ेगा, एक तो उसको क्लोरोफार्म सुंघाना पड़ेगा, एक तो उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। और ये तीनों चीजें तुम्हारे चेतन मन के ऊपर काम करने का तरीका है। क्लोरोफार्म सुंघाने का मतलब है अल्फा लेवल करना, बीटा थीटा डेल्टा मन की अवस्थाएं होती है, सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था, स्वप्न अवस्था, इन अवस्थाओं को प्राप्त करना। दूसरा मतलब है उसको फ्रेंड बनाना, फ्रेंड बनाने का मतलब है मेडिटेशन करना। और तीसरा मतलब है उसको कुछ खाने को देना, मतलब साक्षी भाव का निर्माण करना। और ये तीनों चीजें संभव हो जाती है मेडिटेशन से। इसीलिए अगर सचमुच आप इस चेतन मन और अचेतन मन को आप समझना चाहते हो, इसको इसका कंट्रोल आपके हाथ में लेना चाहते हो, इसकी सारी की सारी रस्सी आपके हाथ में लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपको आगे जरूर जाना पड़ेगा। कृष्ण का जो हमारे जो वासुदेव होते हैं ना, वो अर्जुन के सारथी होते हैं। सबको पता है अर्जुन के सारथी वासुदेव है। वासुदेव के हाथ में क्या है? 5 घोड़ों की रस्सियां है। तो सारथी कौन है? वासुदेव है। घोड़ा क्या है? रथ क्या है? अर्जुन क्या है? महाभारत क्या है? देखो ना, तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं मानेगी। तुम्हारी बुद्धि बोलेंगी ये मेरे दोस्त है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी मेरे दोस्त है। वासुदेव बोलेगा इसके ऊपर धनुष चलाओ, आप बोलेंगे नहीं ये मेरे रिश्तेदार है,
जन्म जन्मों से मेरे साथ में, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। और आपका शरीर रथ है और उसको जो घोड़े हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय के माध्यम से आपका शरीर और आपका जीवन चलता है। आपकी बुद्धि अर्जुन है और आपका सारथी आपका आत्मा है। आप आत्मा का नहीं सुनते क्योंकि आपके साथ में आपके जो रिश्तेदार है वो जन्म जन्मों से पल रहे हैं आपके साथ में। क्रोध को नहीं बंद कर सकते, लोभ मोह माया इसको नहीं निकाल सकते और आप अपना धनुष नीचे रख देते हो, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन वासुदेव बोलते, तेषां सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमा ददामि बद्ध योगान्तम ये नमामोपयान्ति ते। अब आ गया मेन मुद्दे पे काम। जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, अंत में उसे मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योगम हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड है। लेकर सारे नक्शे हाथ में अब तो भाग जा। मैंने कविता सुनाई थी कल, उसमें एक पॉइंट था, लेकर सारे नक्शे हाथ में अब तो भाग जा, आगे बढ़ता चल मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल मंजिल तो है मिलना, अरे बीज डाले है खुशियों के, फुल खुशियों के है खिलना, धनवान बनना तेरा, बुद्धिमान बनना तेरा, जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर, तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है वो है तुम्हारा अचेतन मन। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पावरफुल, बट वी डोंट नो वट इज सबकॉन्शियस माइंड, वी डोंट नो। स्वामी विवेकानंद अपने ब्रेन का 5% हिस्सा इस्तेमाल करते थे। 3,000 किताबें पेज नंबर के साथ याद रखते हैं हम। सवेरे का पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर उसका हेडलाइन शाम को नहीं याद रख सकते। 4 दिन पहले क्या खाना खाया था वो याद नहीं रख सकते। क्यों नहीं याद रख सकते? क्योंकि हम लेफ्ट ब्रेन के साथ जीते हैं। हमारा राइट ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है, हमारा लेफ्ट ब्रेन के साथ में जीवन जी रहे हैं आप लोग, मैं नहीं, आप लोग। आप बोलेंगे हम तो क्यों बोल रहे हो भैया, प्रैक्टिकल करना चाहते हो? 2 मिनट का समय लूंगा, प्रैक्टिकल करो और देखो तुम कौन से ब्रेन के साथ में हो। तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तुम्हारा एक हाथ जो काम करेगा दूसरे हाथ में अलग काम करना चाहिए। अगर तुम्हारे दोनों हाथ अलग अलग काम करना करते हैं तो तुम राइट ब्रेन के तरफ हो, और तुम्हारे हाथ अगर दोनों हाथ एक ही काम करते हैं तो तुम लेफ्ट ब्रेन के साथ में हो। प्रैक्टिकल करके देखो और अपने आप को पूछो, क्या लेफ्ट ब्रेन के साथ में जीवन जीना है या राइट ब्रेन के साथ में आना है? क्या ऐसे ही डरे हुए परेशान चिंतित बीमार होकर जीना है या रेखी के साथ जीवन में आगे बढ़कर जीवन को चमकाना है? 2 मिनट का प्रैक्टिकल कर सकते हो। आज मैं आपके साथ बोलूंगा, आप बोलते हो ना हम राइट ब्रेन के साथ में है, तुम लोग राइट ब्रेन के साथ में नहीं हो। आप प्रैक्टिकल करो, मैं आप लोगों की वीडियो देख रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, एक हाथ आगे करो और ऐसे प्रेस करते हैं ना, वैसे तरह से प्रेस करो, आगे पीछे प्रेस करो एक हाथ से। ओके अब रोक दो उसको, रोक दो। दूसरे हाथ से हैमरिंग करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हैमरिंग करो। अब एक हाथ से प्रेस भी करो और दूसरे हाथ से हैमरिंग भी करो। एक हाथ से प्रेस करो, दूसरे हाथ से हैमरिंग करो। देखो भाई खुद को ही देखो, आप क्या कर रहे हो? मैं बात भी कर रहा हूँ, हैमरिंग भी कर रहा हूँ, प्रेस भी कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ अलग अलग काम कर रहे हैं, आपके दोनों हाथ एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर विथ लेफ्ट ब्रेन। एक हाथ से क्लॉकवाइज सर्कल घुमाओ, एक हाथ से क्लॉकवाइज सर्कल। अब उसको रोक दो, रोक दो। एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अब एक हाथ से क्लॉकवाइज और एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखो मेरे भाई, घुमा के देखो, देखो क्या कर रहे हो तुम, खुद को ही देखो। अब ये देखो मेरा हाथ एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ, एक हाथ से सर्कल बनाओ। ये देखो मेरी उंगली सर्कल बना रही है, दूसरी उंगली ट्रायंगल बना रही है, त्रिकोण बना रही है, एक उंगली ट्रायंगल बना रही है, एक उंगली सर्कल बना रही है। आप खुद ही चेक करो, नहीं बना सकते ना।
नहीं बना सकते। तो लेफ्ट ब्रेन के साथ में हम लोग होते हैं, इसीलिए हम जीवन में वो अचीव नहीं कर पाते जो हमें अचीव करना चाहिए। और इसकी टेक्निक हमें कोई बताता नहीं कि कैसे जाए लेफ्ट राइट ब्रेन में, लेकिन दोस्तों मैं आपको सामने लेकर आऊंगा ऐसा टेक्निक जिसको बोलते हैं एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन। आपके ब्रेन को एक्टिवेट करके राइट ब्रेन में एंट्री कैसे करे और राइट ब्रेन की पावर को कैसे समझे, और ये हमारे आने वाले कोर्स में इंक्लूडिंग होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ये सारी चीजें आप लोगों से करवा के ली जाती है। करके देखो, ऐसी उंगलियां करो, ऐसी उंगलियां करो और अंगूठे को घुमाओ, फिर दूसरी उंगली को घुमाओ, फिर तीसरी उंगली को घुमाओ, फिर चौथी को घुमाओ, फिर पांचवी को घुमाओ। नहीं घुमा सकते, घुमा के देख लो, पांचवी घूम रही है, चौथी घूम रही है, तीसरी घूम रही है, दूसरी घूम रही है, पहली घूम रही है, या अंगूठा घूम रहा है, आपका नहीं घूम रहा है, सटक रहा है। क्यों? वो इसीलिए आप अभी लेफ्ट ब्रेन के साथ में हो। तो क्या आप राइट ब्रेन में एंटर करना चाहते हो? आप पूरे साइंस को समझना चाहते हो? मिड ब्रेन एक्टिवेशन को देखना चाहते हो? आंखें बंद करके कलर पहचानना चाहते हो? आंखें बंद करके पढ़ना चाहते हो? आपके घर में 1,000 की कितनी नोट है, 2,000 की कितनी नोट है, आंखें बंद करके देखना चाहते हो? इसको क्या चमत्कार बोलते हैं? ये चमत्कार नहीं है, दैट इज योअर सबकॉन्शियस माइंड पावर एंड योअर थर्ड आई पावर। और रेकी में ये सब एक्टिवेट होता है, इसीलिए मैंने बोला है 4,000 फीट के टावर का कमाल। ओके, अब हमारा दूसरा विषय है विश बॉक्स। जो विश बॉक्स आपने कल देखा उसमें आपको लोगों के फोटो रखने हैं, फोटो के ऊपर अपना एक फोटो रखना है, अपने फोटो के ऊपर आपको एक पिरामिड रखना है। आपके पास में अगर पिरामिड नहीं है तो कोई भी क्रिस्टल आप रख सकते हो, आपके पास में क्रिस्टल भी नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज रख सकते हो कि ताकि वो फोटो इधर उधर नहीं गिरे। 5, 10, 15, 20 फोटो आप रख सकते हो, फोटो इधर उधर नहीं गिरना चाहिए इसलिए उसके ऊपर वेट रखना है। सबसे ऊपर आपका फोटो रहेगा, नीचे बाकी के लोगों के फोटो रहेंगे। जैसे आप हीलिंग करते हो, 1-to-1 हीलिंग करनी है, और रोज 5 मिनट सवेरे और 5 मिनट शाम में या रात में अपने को 1-to-1 हीलिंग करनी है। उसमें आप परिवार के लोगों को भी ऐड कर सकते हो। विज बॉक्स ऑनलाइन मिलेगा या घर पे भी आप बना सकते हो। इसके लिए आपको 4 त्रिकोण काटने पड़ेंगे, 4 ट्रेंगल। ये 2 बड़े ट्रेंगल काटने पड़ेंगे और 2 छोटे ट्रायंगल काटने पड़ेंगे, जिस तरह से आपका डिब्बा है। और ये पुट्ठे को आपको चिपकाना है, मैंने टेप से चिपकाया था, ये लगभग 2019 में मैंने बनाया था और ये आज भी वैसा का वैसा ही है। हर कोर्स में मैं इसको ही दिखाता हूँ और लोग भी इसको देखते हैं, है ना, और मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूँ। उसके अंदर मैंने अलग अलग सिंबल बनाए थे, देवी देवताओं के फोटो, ओम की तस्वीर उसमें लगाई थी। अब इस विज बॉक्स को आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मनोकामना पूर्ति बॉक्स। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए? धन, पैसा चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, जॉब चाहिए, शादी जिसकी रहेगी उसको अच्छी लड़की चाहिए या अच्छा लड़का चाहिए, आपको अच्छी बहू चाहिए या अच्छा दामाद चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए या सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए आपको एक कागज पे लिखना है। एक कागज पे लिख के उस कागज को फोल्ड करनी है, पहली फोल्ड और दूसरी फोल्ड। जिस तरह से कागज है इसको पहली फोल्ड करेंगे और दूसरी फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इस कागज को आपको रखना है विज बॉक्स में, उसके ऊपर रखना है पिरामिड। पिरामिड इसलिए, पिरामिड में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इजिप्ट में पिरामिड है और इजिप्त में पिरामिड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप गूगल पे पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ जो मंदिर बने होते हैं ये भी पिरामिड के जैसे होते हैं, क्योंकि मंदिर में ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, तो विश बॉक्स में आपने आपकी विश लिखी कागज के ऊपर, जो आपको चाहिए आप लिखो ना, अगले महीने से मेरी तनख्वाह इतने महीने इतने रुपए हो रही है। हाँ, जैसा आपको मन को, आपके मन को समझ में आना चाहिए, आपकी बुद्धि बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आपने बोला अभी जैसे आपको 10,000 रुपये पेमेंट है, आपको अभी 10,000 रुपये सैलरी है,
और आपने लिखा अगले महीने से मेरी सैलरी 5 लाख होने वाली है, आपकी बुद्धि बोलेंगी झूठ बोल रहा है तू, इतनी थोड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, आपके बुद्धि को पसंद आ जाए ऐसी चीज लिखनी है, कुछ दिनों में कुछ महीनों में मेरी सैलरी बहुत बढ़ रही है, मैं बहुत अमीर बन रहा हूं। आपने बोला मैं अमीर हूं, बुद्धि बोलेंगी कहाँ अमीर है, कहाँ अमीर है तेरे, तू कोई अमीर नहीं है, तेरे पास इतने पैसे थोड़ी तो अमीर है, अमीर तो वो होते हैं अंबानी अडानी टाटा बिरला, नहीं अमीर वो नहीं है, अमीर तुम भी हो, लेकिन उन्होंने अमीरी के नियम अपनाए और तुमने गरीबी के नियम अपनाए। कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है, क्योंकि जो आज स्वस्थ है उसने स्वस्थ के नियम अपनाए और जो बीमार है उसने बीमारी के नियम अपनाए। तो नियम क्या होते हैं, ये ब्रह्मांड के नियम है, हाँ ये नियम को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको जो भी चाहिए आपको अपनी भाषा में लिखना है, किसी का पैर टूटेगा उसको बिजनेस गायब हो जाएगा उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते। किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट आप नहीं कर सकते, आपको पॉजिटिव एनर्जी ही बोलना है, उसमें नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है, इतना ध्यान में आ गया। फिर आपने वो विश का जो पर्ची है वो बनाकर बॉक्स में डाल दी, उसके ऊपर पिरामिड रख दिया, उसको आपको रेकी करनी है, 1-to-1 रेकी करनी है उस पर्ची की, और आपने जो विश लिखी उसको रोज 11 बार 21 बार बोलना है, मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरा नाम और काम बढ़ रहा है, मैं रेकी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे घर पे रेकी का क्लिनिक है, लोग मेरे पास रेकी का उपचार लेने आते हैं, मेरा बहुत रेकी का बड़ा सेंटर है, मुझे उससे बहुत पैसे मिलते हैं। आप अपने हिसाब से लिखो। मैंने क्या लिखा था मालूम है, मैंने लिखा था 19 फरवरी 2019 को मैंने एक विश लिखी थी, 19 फरवरी 2019 मुझे पूरा याद है, 9 फरवरी 2019 को मैंने थर्ड लेवल कंप्लीट किया था, 8 फरवरी को मैंने सेकंड लेवल किया था, 7 फरवरी को मैंने फर्स्ट लेवल किया था। मैंने बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन में कंप्लीट करो, हमारे गुरुजी ने किया था और सारे इंडिया में लोग ऐसे करते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं 3 दिन में सारा कुछ सीख लेते हैं, किताबें लेते हैं घर पे रख देते हैं और बोलते हैं मुझे रेकी तो कुछ नहीं आ रही। काफी लोग पुराने रेकी सीखे हुए उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। मैंने सेकंड ही काम करना शुरू कर दिया, गुरुजी ने बोला रेकी आत्मज्ञान की चाबी है, मैं चला आत्मज्ञान की तरफ, गुरुजी ने बोला वो चांद है, लोगों ने गुरुजी की अंगूठी उंगली पकड़ ली, मैंने क्या किया चांद की तरफ निकल गया, तो मैं सूरज को भी देख कर आया, बीच में राहु शनि शनि केतु मंगल थे इनको भी देख कर आया, कहने का मतलब है मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, गोते लगाना शुरू कर दिया, और आज 4 साल में मैं विश्व गुरु बन गया। मैंने विश लिखी थी कि मुझे लोगों को रेकी सिखाना है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, 19 फरवरी 2019 को मैंने विश रखी और 14 अप्रैल को मेरा पहला रेकी का सेमिनार मेरे गांव में हो गया, सारे गांव में मैंने ढिंडोरा पीट दिया, न्यूज़पेपर में इधर उधर जितना भी ऐड कर सकते थे उतना ऐड किया, माउथ ऐड भी किया और न्यूज़पेपर से भी किया, पॉम्पलेट बनाए सब कुछ किया, और इतना बड़ा हॉल लिया कि उसमें बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम हो जाए, 50 चेयर लेकर आ गए, मेरा प्रोग्राम चल होना शुरू होने वाला था 10:15, 10 बजे ही मैं स्टेज पे गया, टीवी लगी थी, स्टेज बना हुआ था, सेकंड लेवल थर्ड लेवल का सीखा हुआ व्यक्ति, 1 महीना पहले थर्ड लेवल सीखा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं रेकी सिखाऊंगा, स्टेज बनाया सब कुछ बनाया, लोगों को इनवाइट किया, 50 चेयर लाई, 50 लोगों को रेकी सिखाऊंगा, मन में आनंद था उत्साह था, 50 लोगों को रेकी सिखाऊंगा, अरे मैं रेकी मास्टर बनने जा रहा हूँ, जिसकी डिग्री 3 डिग्री थी, डिग्री 3 थी, मतलब थर्ड लेवल सीखा हुआ था और रेकी मास्टर बोल रहा था खुद को। और दोस्तों 10:15 बज गए, 30 लोग आ गए, 10:30 बज गए, 40 50 50 चेयर थी भर गई, मैं बहुत खुश हो गया, और जैसे मैंने देखा कि 50 चेयर हो गए अब मैं रेकी सिखाना शुरू करता हूँ, उसके बाद में लोगों का आना जारी था, फिर और 50 चेयर मंगाई, फिर और 50, फिर और 50, फिर और 50, उसकी कुर्सियां खत्म हो गई, चेयर खत्म हो गई, दूसरे दूसरे चेयर वाले से गाड़ी करके चेयर मंगाई, 370 चेयर लगी, 150 लोग खड़े थे, 370 लोग चेयर पर बैठे थे, मेरा पहला सेमिनार
500 लोगों के बीच में हो गया, जो कि मैं लेकी का थर्ड लेवल सीखा था। ये मेरे 19 फरवरी का जो मेरा विश था, मेरी जो मनोकामना थी विश बॉक्स में डाली हुई, वो पूरी हो गई और मैं समझ गया रेकी का साइंस क्या है। फिर मैंने सोचा मुझे विश्व गुरु बनना है। एक गांव में, जो गांव में रेकी को कोई जानता नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं है, और वो बोलता है कि मैं विश्व गुरु बनूंगा। 2 साल के अंदर मैंने पूरे दुनिया में रेकी सिखाना शुरू कर दिया और आज भारत के कोने कोने में और 10 से 11 कंट्री के अंदर हमारा विश्व रेकी अभियान का झंडा हमारे ग्रैंड मास्टर फहरा रहे हैं और हमारे ग्रैंड मास्टर 10 देशों के अंदर काम कर रहे हैं। ये कमाल राइट ब्रेन का है। छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। रेखी सीखना तो बहाना है, अब तो जाग जा, तू अब तो जाग जा। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें वहां लेकर जाने आया हूँ। अरे रेकी सीखना तो एक बहाना है, मैं तुमको नींद से जगाने आया हूँ। रेकी तो कोई भी सिखाता है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो विश बॉक्स में आप आपकी मनोकामना पूर्ति रखेंगी और वो कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि ये होती है 45 दिन, 3 महीने या 3 दिन, इसके अंदर ही आपकी विश पूरी होगी। मेरी 45 दिन में पूरी हो गई थी, इसीलिए आप भी आपकी विश रखो और बनो आपके जीवन के मालिक, समझो अपनी अनंत शक्तियों को। ओके, अब देखते हैं पानी को कैसे चार्ज करते हैं। एक गिलास में पानी, एक हाथ में पानी का गिलास लेना है, ये जैसा पानी का गिलास लिया, पीने के पहले चौकुरे डालना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अफर्मेशन बोल सकते हैं, हे जल देवता, आप दिव्य अमृत हो, आप दिव्य जल हो, आपका धन्यवाद, थैंक यू, और पी जाइए। मैं बोलता हूँ, हे जल देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आप दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो, आपका धन्यवाद, पी जाता हूँ। जैसा कि देखो, एक काम में दो काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक काम में दो काम क्या होते हैं। ये मैंने इसमें पानी डाला, अब ये पानी जो है ये मेरी बात सुनेगा, ये मेरी बात सुनता है। अगर मैंने इसको बोला, हे जल देवता, आप दिव्य औषधि हो, आप और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो, जैसे आप मेरे शरीर में प्रवाहित होंगे, मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, मेरी पाचन शक्ति में आप सहायक हो, आप तो अमृत हो। तो ये पानी, इसका क्रिस्टल का फोटो निकाल कर देखो, पानी का फोटो निकलता है, जिसको क्रिलिनियन फोटोग्राफी बोलते हैं, क्रिलिनियन फोटोग्राफी, पानी का फोटो निकलता है। अब क्रिलिनियन फोटोग्राफी से फोटो निकाला आपने, मैंने पानी को क्या बोला उसका, उसमें आएगा स्वस्तिक, ओम, या फिर और कोई ऐसी धार्मिक या कोई स्पिरिचुअल चीज आएंगी, उसमें शंकर जी का त्रिशूल आएगा या फिर और कोई चीज आएंगी, ज्यादा करके स्वस्तिक आता है, ओम आता है, क्योंकि ये पानी अब दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है, मैंने बोला इसीलिए। अब मैंने क्या कर दिया, ये पानी को बोला, तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, बदबूदार हो, कोई भी काम के नहीं हो, इतना गंदा पानी, और इसकी क्रिलिनियन फोटोग्राफी से फोटो खींचो, रेड, टेढ़ी ताड़ी, काली, नीली, पीली, ऐसी फोटो आएंगी, ये पानी सुनता है। मैंने अभी आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, मुझे माफ कीजिए, आपका धन्यवाद, कोई कारण से मुझे ऐसा बोलना पड़ा, आप तो दिव्य दिव्य जल हो, आप तो अमृत के समान हो, आपको, आपके सामने कोई कैसे कुछ बोल सकता है, कुछ कारण से आपके लिए मुझे कुछ बोलना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ करो और शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। एक काम में दो काम, पानी चार्ज करके भी बताया
और थोड़ी सी प्यास लग गई थी, जम गया। इसको बोलते एक काम में दो काम। आप बोल रहे दो काम कौन से? मुझे लग गई थी प्यास, मैंने चलो पानी चार्ज करके दिखाता हूँ, पी लेता हूँ। तो पानी हमारी सुनता है, दीवारें हमारी सुनती है, दीवारों को कान होते हैं, आपने सुना होगा। हाँ, तो हर चीज आपकी सुनती है, पेड़ पौधे सुनते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा डीप नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरा एक अनुभव था दोस्तों, ये मेरा अनुभव है लगभग कोरोना के पहले का अनुभव है। मैं जंगल जाता हूँ हर महीने। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं जंगल जाते रहता हूँ आदिवासी लोगों में, या फिर बहुत बड़े बड़े जंगल में जहाँ कोई नहीं होता ना, वहां जाके बैठता हूँ पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे जाकर बैठा, मेरे साथ में मेरा दो तीन फल फ्रूट रहते हैं, केले वेले जो रहते हैं। हाँ, भोजन तो नहीं करते, फिर वो फल फ्रूट रहते हैं, फिर पानी की बोतल सामने रख दी। एक इसका फोटो भी मेरे पास में है, किसी जंगल में कोई आया था, उसने मतलब फोटो खींचा मेरा, मतलब बोले देखो आप ऐसे बैठे थे, मतलब कोई बात नहीं। तो जंगल में जाके जब मैं मेडिटेशन करता हूँ पेड़ के नीचे जाकर, जो मुझे पेड़ अच्छा लगता है वहां जाकर बैठता हूँ और आंखें बंद करके बैठता हूँ, और फिर वो पेड़ से बात करता हूँ। तो दोस्तों पेड़ बात करते हैं, पेड़ बात करते हैं, ये जो पेड़ है ना, ये हमारे से बात करते हैं। ये निर्जीव नहीं है पेड़, इनमें जान है। पीपल का पत्ता, आपको मालूम नहीं पीपल का पत्ता क्या है? अभी मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि बहुत डीप विषय है। ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये आपके शरीर के लिए ही पैदा हो गए। आपके कोई अगर शरीर में आ गई कोई बीमारी, वैसे तो आती नहीं, लेकिन आ गई तो ये उसका उपचार करने के लिए आ गए, लेकिन हमको पता नहीं। और आयुर्वेदा में जिसको पता है वो गलत चीजें के साथ में इसको देते हैं, और इसके रिजल्ट भी आते नहीं है। लेकिन प्रकृति में ही सब कुछ है आपके लिए, जो दिव्य औषधि है वो ये प्रकृति में पड़ी हुई है। नीम का पत्ता देखो ना, नीम के पत्ते में ई विटामिन है, धूप में डी है। अब मैं बाकी चीजें नहीं बताऊंगा आपको, बहुत कुछ है। तो मैं इतना बताऊंगा कि पेड़ पौधे सुनते हैं, जानवर सुनते हैं, जानवर सुनते हैं। आप कुत्तों को, एक आधा कुत्ता अगर आपके आजू बाजू में है ना, आप उसको बोलना नहीं कुछ भी, आप उसके तरफ देखो और मन ही मन बोलो क्या यार मजे है तुम्हारे यहाँ, कोई टेंशन नहीं, कमाने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वो चिल्लाए कि कोई भी दो रोटी दे देगा, रोटी खा के मस्त बैठते हो, और हमें देखो सवेरे से शाम तक काम करना पड़ता है, फिर भी यार काम पूरा नहीं होता। बच्चों का टेंशन, बीमारी का टेंशन, व्यापार का टेंशन, पैसे नहीं आ रहे, घर में बीमारी है, कितनी टेंशन है। तुम यार मस्त पूछ हिलाते हो, हाँ आप कुत्ते से बात करो, देखो वो 2 मिनट के अंदर पूछ हिलाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा आपने उसको क्या बोला। वो हमारे भावना को समझते हैं, और ये भी हमने करके देखा है, आप करके देखिए। अलग करो अलग बनो, रेकी सीख कर सिर्फ उपचार नहीं करना है, अलग चीजें करनी है और अलग बनना है, इसीलिए तो जादू करनी बोलती है ना। आपको पता है 120 किलो के आदमी को आप उंगली पे उठा सकते हो? किसको किसको पता है हाथ ऊपर करे? किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। आप लोग, हम, हमारे प्रत्येक सेमिनार में जितने भी हमारे ऑफलाइन सेमिनार होते हैं, 120 किलो के व्यक्ति को उंगली पे उठाते 8 फीट तक, चार लोग होते हैं पतले पतले, वो 120 किलो के व्यक्ति को ऐसे उंगली पे उठाते 8 फीट तक, ऐसे इतने ऊंचे उंगली पे, क्या पॉसिबल है? आपकी बुद्धि बोल रही होंगी भैया फेंक रहे हो तुम, अब तो तुमने है ना बहुत फेंकना शुरू कर दिया मेरे भाई। मैं कल वीडियो डालूंगा, एक नहीं दो, पर आपने देख लेना। मेरे साथ में कोई हमारे पुराने ग्रैंड मास्टर है जो मुझे इस बारे में बता सकते हैं, कितनी बार हमने कितने लोगों को उठाया? हाँ, गुरु जी लॉक है यहाँ कोई पे अभी ना, तो कोई बता नहीं पाएगा। बाकी नहीं, नहीं अच्छा, आपको आपको बोला मैंने। हाँ, मुझे मैंने कहा किसी और पुराने ग्रैंड मास्टर का बोला। नहीं मैं पुराने तो ग्रैंड मास्टर है हाँ क्या लेकिन हमारे साथ में? नहीं, हमने आईडी दी नहीं ना किसी को। आई डी नहीं यार, राइट राइट, मैं वेट कर रहा था कि नहीं, ये हाँ बात हाँ तो देखिए, इवन मैं खुद एक थोड़ा पतला सा हूँ, लेकिन मैंने खुद 3 लोग और थे, हमने कई बार, हमारे हर जितने भी वेबिनार सेमिनार होते हैं, ऑफलाइन सेमिनार होते हैं, हम लोग वहाँ पे करते हैं, और पहले नहीं करते, लेकिन जब गुरुजी का एक कॉन्फिडेंस के साथ में जो मोटिवेशनल जो स्पीच होती है, उसके बाद सब उठा लेते ऊपर। तो है कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें पुश करने वाला चाहिए, हमारे पीछे से हमें कॉन्फिडेंस देने वाला चाहिए, ठीक है, वो गुरुजी की बातों में दम होता है, तो हम उठ को उठा लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, हमारा अभी वृंदावन में हुआ था,
गोकुल के अंदर, उसमें हमने ये कारनामे किए थे। दिल्ली गोकुल में हुआ, में दिल्ली में हुआ था, हुआ, दिल्ली में भी किया, कानपुर जयपुर में में भी किया, किया हमने, जयपुर में जयपुर किया, में हर किया। जगह किया। जितनी जगह भी हमारे ऑफलाइन सेमिनार होते हैं, हम आप लोगों में से 4 लोगों को बुलाते हैं, 120 130 किलो के व्यक्ति को हम 2 मिनट के अंदर, आपके माइंड के अंदर 2 मिनट में आपका राइट ब्रेन, मैंने बोला ना राइट ब्रेन, उसको एक्टिवेट करते हैं, और 2 3 मिनट के मेरे स्पीच के बाद में वो व्यक्ति को आप उंगली पे उठाते हो। मतलब कितना आसान है उसके पास जाना, लेकिन फिर भी हम जा नहीं पा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमको कुछ डिटेल्स बातें पता नहीं है। लोगों ने रेकी में सिर्फ रेकी सिखाई है, जो किताब होते हैं ना रेकी के, वो किताब पहले से आ गए। किसी ने वीडियो मैंने देखा हमारा देखा था। था वीडियो। अच्छा, क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने वीडियो देखा हमारा, और बराबर है, ये तो कोई बात नहीं है। मतलब होता क्या है, हमें कोई इसीलिए नहीं सिखाता ये बातें रेकी में, क्योंकि वो किताबी ज्ञान वाले होते हैं। गुरुजी ने किताब दे दी, किताब पढ़कर सिखाया, दूसरे को किताब दे दी, उसने किताब पढ़कर सिखाया। मैंने आपको जो पीडीएफ दिया है, और इसके बाद आखिरी में जो पीडीएफ मिलेगा आपको, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मेरे सारे के सारे कोर्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ये जो सिंबल आपको देते हैं ना, आगे वाले लेवल में सारे सिंबल हमने खुद बनाए हैं, ये हमारे सिंबल है खुद के। सिंबल कैसे बनते हैं ये भी एक टेक्निक है, ये भी हम आप लोगों को देते हैं, और आप लोग भी अपना सिंबल बनाते हो। तो ये जो जो चीजें हम आगे चल के अलग अलग करते हैं, तो इसका मतलब होता है अलग अलग चीजें करना। चलो, आपके शरीर के लिए कुछ लेकर आया हूं। मैंने वादा किया था मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको हमेशा 100% स्वस्थ रखेंगी। हाँ, विश्वरेखी अभियान के हर प्रयोग होता है। अच्छा, नरेंद्र अग्रवाल जी, क्या बात है नरेंद्र भाई, आज है? अरे यार, फिर आपको बोलना पड़ेगा, ठहरो, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी, बात कर सकते हैं भैया, मुझे मालूम नहीं आप हो कर क्या। जी, भाई मैं YouTube में देख रहा था, पर इधर आपने क्वेश्चन किया इसलिए प्रणाम। जी हाँ, नरेंद्र जी अग्रवाल है जयपुर से, हमारे ग्रैंड मास्टर। और नरेंद्र जी अग्रवाल ने, मतलब आप वीडियो खोल दीजिए भैया, जयपुर में सेमिनार अरेंज किया था भैया ने। भैया का भी कोर्स चलते हैं, भैया के पास में भी काफी लोग रेकी सीखते हैं, उन्होंने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मास्टर तक के कोर्स लोगों के कराए हैं। बहुत सक्षम ग्रैंड मास्टर है, और इनकी पत्नी भी ग्रैंड मास्टर है, जो कि सिर्फ नमस्ते या हेलो बोलती थी, आज वो लोगों को सिखा रही है। गूंगी बहरी थी, आज वो लोगों को रेकी सिखा रही है। चमत्कार कर सर, दिया तो। हाँ आपका ही जादू सर, आपका ही जादू है, आपने जादू कर दिया तो उसी के सर बोला भी अच्छा, नरेंद्र भैया और मैं एक ही गुरु के दो शिष्य हैं। नरेंद्र भैया ने जहाँ से रेकी सीखी है, मैंने भी वहीं से रेकी सीखी है। नरेंद्र भैया ने मेरे बहुत साल पहले सीखी थी, मैंने बाद में सीखी। मेरे सीनियर है और मैं भैया का जूनियर हूँ। और आप भैया मैं हमारे साथ भी है, और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है उनके मैसेज से। आप भी जब आगे आएंगे मास्टर कोर्स के लिए, तो आपको एक अलग ग्रुप में जोड़ा जाता है। रिकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया हमारा ग्रुप है, जो कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हमारा रहता है, और उसमें आप लोगों को अलग अलग ग्रैंड मास्टर अलग अलग चीजें बताते हैं। तो बस अभी नरेंद्र भैया 2 मिनट आप बात कर सकते हैं, अपना कुछ बता सकते हो। गुरु जी, पहले तो मैं कहूंगा आप हमारे गुरु जी हैं, आप हमको सीनियर नहीं बोलेंगे। टाइम से कोई सीनियर नहीं होता है, स्पीड से होता है। हमने पहले सीखा, हम कार में आ रहे हैं, आप जेट प्लेन में चल रहे हो, इतना फर्क है। आप इतना आगे निकल सकते तेज देर से। हाँ सर, गुरु जी, हमने जो इसमें ये जो अब वैसे हमारे हर सेमिनार में ये प्रयोग किया जाता है और हमेशा सफलतापूर्वक होता है, और अब तो आपने हमको भी सिखा दिया। गोकुल में आपने ये प्रयोग हमसे करवाया था, हाँ आपने गाइड बिल्कुल, किया हम हाँ तो हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम आपको बोलते कि ऐसा करो, हम बोलते कि आप करो, और आप लोगों से हम करा के लेते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते मेरा हैं? तो कभी भी गुरु जी, मेरा कभी भी प्लान नहीं था कि मैं रेकी सिखाऊंगा। खाली ये कि रेकी सीख के अपनी लाइफ बढ़िया हो गई, अपना सब हेल्थ बढ़िया है, काम धंधे बढ़िया चल रहे, व्यवहार बढ़िया चल रहा है। आपने मेरे को ये प्रेरणा दी कि आप रेकी सिखा सकते हो, आप सिखाओ। और आपका आशीर्वाद कि पिछले मतलब 1 साल में ही वो स्थिति आई कि जितने लोग सीख रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे से सक्षम है और मास्टर तक पहुंच गए हैं। मास्टर भी जो मतलब फर्स्ट सेकेंड लेवल वाले लोग भी अच्छे से ढंग से हीलिंग कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो सब आप ही की प्रेरणा दी है, आप ही का ज्ञान है। कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया। तो ये धन्यवाद। हमारे ग्रैंड मास्टर थे जयपुर से, नरेंद्र जी अग्रवाल।
जो कि एक सक्षम रेकी ग्रैंड मास्टर है और बहुत अच्छे अनुभव है इनका। इनके पास भी लोग सीखते हैं, इनके स्टूडेंट है। हमारे हर ग्रैंड मास्टर सिखाना शुरू कर दिया सबने। ये लोग बोलते थे पहले मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, टॉर्चिंग कर करके पीछे से धक्का दे दे के आज सब कुछ ठीक हो रहा है। चलो ठीक है, तो आपको भी हमारी इस लाइन में आना है। आने वाले कोर्स हमारा 29 मई को शुरू होगा, लेवल 3। लेवल 3 में आप अगर आना चाहते हो हमारे साथ तो आइए और इस विश्वरिकी अभियान परिवार का हिस्सा बनिए। हमारे भाई बहन उस ग्रुप में रहते हैं, हर वेनसडे को मीटिंग होती है, सब लोग, अब कल हमारी मीटिंग है ग्रुप की, सब लोग उस मीटिंग में आते हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, हाय हेलो प्रणाम नमस्कार करते हैं, वह ऑनलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन भी हम लोग मिलते हैं। दिल्ली में 2-3 सेमिनार हो गए हमारे, कानपुर में हो गया, जयपुर में हो गया और मथुरा में हो गया। मथुरा में हमारे पूरे इंडिया के ग्रैंड मास्टर और मास्टर लोग आए थे, उनके लिए पूरा निःशुल्क था, खाने पीने का रहने का कोई मूल्य नहीं था। और वहां पर एक हमारा शक्तिपात भी हो गया था, जिसके लिए हमने कुछ चीजें भी उन लोगों को प्रोवाइड की थी, जैसे कि एक दुपट्टा होता है और कुछ चीजें होती है, वो आपको अभी बताएंगे नहीं, हम आगे बताएंगे। चलो तो अभी हम देखते हैं शरीर के 4 नियम। मैंने आपको बोला था मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। खाने पीने के बारे में बहुत टेंशन में रहते हैं हम, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, है ना? तो टेंशन में रहने का बिल्कुल सवाल खत्म हो गया। मैं आपको दे रहा हूँ 4 सवाल। ये 4 बातों को अगर आपने ध्यान में रखा तो आपका दिमाग इसके ऊपर लगाने का काम नहीं कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, बिल्कुल नहीं। तो शरीर के 4 नियम है, और ये 4 नियम मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 4 नियम बताने वाला व्यक्ति है इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरु, जो कि है मेरे गुरु जी डॉक्टर एनके शर्मा, दिल्ली से रेकी हीलिंग फाउंडेशन से मैंने रेकी सीखी है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गुरु लेजेंड है, मतलब विश्व के गुरु है, और ये विश्व के गुरु के मैं एक आदर्श शिष्य हूँ। मेरे गुरु जी मुझे आदर्श शिष्य भी बोलते हैं कभी कभी, हालांकि वो उनकी मर्जी, मैं तो खुद को आदर्श नहीं समझता, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मैं गुरु हूँ, क्योंकि मैंने बोला मुझे विश्व गुरु बनना है, मैं बन गया। लेकिन मैं गुरु बोलने नहीं देता, गुरु बोलने नहीं देता, मैं गुरु समझता भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर का जो गुरु तत्व है वो तो कॉमन है, वो तो गुरु तत्व कॉमन है। गुरु तत्व का मतलब है ज्ञान देने वाला तत्व, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरे शरीर का इस्तेमाल करके मेरे अंदर का गुरु तत्व आपके साथ बोल रहा है। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आदर्श शिष्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो तत्व है वो बाहर आ चुका है, जिसको कि गुरु तत्व बोलते हैं। तो चलो, मेरे गुरु जी ने बोला था खाने पीने के 4 नियम, बाकी सारे नियम बांधो, खाने पीने की जितने घर पे किताबें सारे कपड़े में बांधो और गाड़ी में जाकर नदी में फेंक दो, और अपने घर पे लिख के रखो 4 नियम। भूख लगे तो खाना, बगैर भूख का खाना नहीं, बगैर भूख का खाना सड़ेगा, भूख लगने के बाद पचेगा, खाना खाने के 20 मिनट पहले और खाना खाने के 20 मिनट बाद पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? ये भी ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिया था, लेकिन वो मंत्र हमारा किताबों में पढ़ा हुआ है, पद निकवड़ गीता नाम गया श्री हरि चेसा दवन होते नाम गीता फुकाचे जीवन करी जीवित वान ही पूर्ण ब्रह्म उदर वरुण हे जानीजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब हमारे अंदर यज्ञ कर्म चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, भोजन उसकी आहुति है, आहुति देने के पहले यज्ञ के अंदर पानी मत डालो, मतलब पानी मत पियो, और भूख लगे तो ही खाना खाओ। ये पहला नियम ऋषि मुनियों ने भी बोला इस मंत्र के माध्यम से, और मेरे गुरु जी कहते हैं, मैं मेरे गुरु जी को ही सब कुछ मानता हूँ, सारे ऋषि मुनि उनके अंदर ही पड़े हुए हैं, तो मैं गुरु जी का सुनता हूँ, इधर उधर भटकने का काम नहीं। गुरु जी बोलते भूख लगे तो खाना, बगैर भूख का खाया हुआ पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। दूसरी चीज बताते हैं प्यास लगे तो पीना, हम क्या करते हैं पानी पी लो, इधर से आए पानी पी लो, उधर से आए पानी पी लो, हमको पानी पीने की जरूरत ही नहीं। अगर हमने हमारा भोजन किया तो पानी की जरूरत ही नहीं, पानी शरीर मांगेगा ही नहीं। आप करके देखो, एक दिन हमारा भोजन एकादशी, एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी, एकादशी, एकादशी का मतलब है एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो, एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। उपवास का मतलब है उपवास, उपवास माने ऊपर रहना, ऊपर वापस माने ऊपर, कैसे रहना, अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में रहना, इसको बोलते उपवास करना। एक दिन हल्का खाना, हल्का मतलब जूस फ्रूट
नारियल पानी, नींबू पानी, बस दी एंड। पानी 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 पानी, पूरा दिन पानी पियो, जूस पियो, फल खाओ, जितने मर्जी खाओ, 10 किलो आम खा लो दिन भर, 5 किलो अंगूर खा लो, जितने मर्जी फ्रूट खा लो, कौन सा फ्रूट कभी भी खा लो, पपीता खा लो, जो भी खाना है खा लो, अनाज मत खाओ, उसको बोलते हैं उपवास। और हम उपवास के दिन क्या खाते हैं? साबूदाना, धमका, इमका, इधर का उधर का, और नॉर्मल दिन से ज्यादा उपवास के दिन खा लेते हैं। वो कोई उपवास हो गया? कोई मतलब नहीं हुआ था उपवास करके। उपवास का मतलब है अपनी एनर्जी को ऊपर आने दो। आपकी मणिपुर चक्र तक एनर्जी आ चुकी है, इसको ऊपर आने दो। और ये जब ऊपर आएंगे तो इसको बोलते हैं उपवास। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता। उपवास करके देखो, एक दिन सबको प्रेम करो, एक दिन सबके लिए अच्छे शब्द बोलो, एक दिन सब माता बहनों के लिए पवित्रता का अनुभव करो, यही उपवास है। करके देखो, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्यों नहीं पहुंचते टावर पे? क्योंकि टावर बनाने की सामग्री यहाँ है। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता किसके होती है? वही तो शंकर जी है, वही तो नीलकंठ है। नीलकंठ का मतलब क्या है? सोच समझ कर बोलना। द्रौपदी ने सोच समझ कर नहीं बोला और महाभारत कर लिया। अंधे का पुत्र अंधा बोला द्रौपदी ने, मालूम है आपको? और सारे महाभारत का काम शुरू कर दिया उसने। सोच कर बोलो, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ हमेशा रहो। भाई बहनों के लिए जितनी भी है अच्छे शब्द बोलो, सबको प्रेम करो। गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, गंदा हो, अच्छा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, प्रेम 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 हृदय चक्र में रहो। एक दिन अच्छी भाषा बोलो, या तो मौन करो, बोलो ही मत कुछ, और एक दिन आज्ञा चक्र में रहो। आज्ञा चक्र का मतलब है यहाँ पर होती है शिव शक्ति, पवित्रता, आंखों में पवित्रता पूरा दिन 24 घंटे। पूरी दुनिया के लिए जब तुम्हारे आंखों में पवित्रता, वाचा में नम्रता और हृदय में कोमलता आती है, वही उपवास है। अन्यथा आपका जो उपवास है वो भगवान तक नहीं जाता, इतना ध्यान में रखना। आप कितने भी उपवास करो, कितनी भी पूजा करो, भगवान को नहीं मिलती, भगवान तुम्हारे अंदर है। जब तुम पूजा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक भावना चली जाती है कि अब मैंने पूजा कर दी, और मैंने किताब में पढ़ा था कि ये पूजा करने से ये फल मिलता है, और वो फल को तुम देखने लगते हो। जब तुम उस फल को देखने लगते हो, तुमको पता है शंकर जी की पूजा सोमवार को कर दी, 12 सोमवार उपवास कर लिया कि शंकर जी पावन होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और एक अच्छा वर या अच्छी वधु मिलती है। शादी के पहले बोलते ऐसा होता था, लेकिन तुम्हारे मन में क्या होता है कि उपवास करने के बाद ही मुझे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलेंगी। तुम उपवास करते हो, उपवास करने के बाद में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर चला जाता है, एक अफर्मेशन चला जाता है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करता है जो तुम विश्वास के साथ उसके पास भेजते हो। तुम्हारा जो बुद्धि है, चेतन मन है, वो टांग नहीं अड़ाता, क्योंकि तुमने किताब में पढ़ा था, वो किताब किसी धर्म का था, वहां पे लिखा था कि शंकर जी की पूजा करो, 17 उपवास करो, 18 सोमवार करो, तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा। तुमने उपवास करना शुरू कर दिया, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज गया, अब तुमने उपवास किया, अब तुमको अच्छा लड़का मिलेगा, तब तुम धनवान बनेंगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तुम बोलते मेरे भगवान ने सुना, भगवान ने नहीं सुना, भगवान नहीं सुनता, भगवान नहीं सुनता। तुम्हारे अंदर जो है चीज पड़ी हुई है, उसने तुम्हारे माइंड ने उसके ऊपर काम किया, न्यूरो सर्किट बन गया, जिसको कि साइंस में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एनएलपी बोलते हैं। तुम्हारे माइंड में न्यूरो सर्किट बन गया, सर्किट 33 दिन में कंप्लीट हो गया, तुम्हारी विश पूरी हो गई, और तुम बोलते हो कि भगवान ने किया। भगवान हमारा कभी नहीं सुनता, भगवान को पता भी नहीं हम है या नहीं है। हम बोलेंगे भैया आज तो बहुत अलग बोल रहे हो, भगवान को पता नहीं हम है या नहीं है, मैं मुझे मालूम है मेरे घर में मंदिर है, भगवान है, मैं पूजा करता हूँ, और आप बोलते हो भगवान को मालूम नहीं तुम है क्या नहीं हो। तुम्हारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया है, पाँव की बैक्टीरिया, हाथ की बैक्टीरिया, छाती की बैक्टीरिया, सर की बैक्टीरिया, उंगली उंगलियों में हजारों करोड़ों बैक्टीरिया है। तुम बैक्टीरिया को जानते हो क्या? बताओ, आपका जवाब है नो। आप कोई भी बैक्टीरिया को नहीं जानते, हाथ पांव छाती कमर पेट के अलग अलग करोड़ों बैक्टीरिया तुम नहीं जानते हो, लेकिन वो तुम्हें जानती है। पांव की बैक्टीरिया तुम्हें ए बोलती है, घुटने की बी बोलती है, थाइस की सी बोलती है, पेट की डी बोलती है, छाती की ई बोलती है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी जेड तक तुम्हारे नाम तुम्हारे बैक्टीरिया ने रखे है, लेकिन तुमको पता ही नहीं तुमने कौन से बैक्टीरिया तुम्हें क्या नाम से पुकार रही है।
तुमको पता ही नहीं कि कौन सी बैक्टीरिया तुम्हें क्या नाम से पुकार रही है। वो तो बोलती भी है कि मेरा हरा है, तेरा पीला है, तेरा गुलाबी है, मेरा भगवा है, तेरा लाल है। तुमको पता ही नहीं, तुम्हारे शरीर की बैक्टीरिया जिस तरह से तुमको पता नहीं कि तुम्हें क्या नाम से पुकारती है और तुम उनको जानते भी नहीं हो, उसी तरह ईश्वर भी तुमको नहीं जानता। तुम ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हो, उसको नहीं मालूम उसका नाम क्या है, और ये सच्चाई हमको मालूम नहीं है। ये सच्चाई हमको मालूम नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का नाम ईश्वर है। ये पूरी अभिव्यक्ति, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, पेड़ पौधे नदियां पहाड़, पेड़ नदियां पहाड़ पत्थर मिट्टी गिट्टी चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं, पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड जो है ना, ये पूरी महासत्ता का नाम ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इस ईश्वर के नियम है, इस प्रकृति के नियम है, नियम के अनुसार काम चलता है। यहाँ दया माया नहीं है, नियम थोड़ा सजा मिलेगी। इसलिए खाने पीने के चार नियम, पहला नियम भूख लगे तो खाना, दूसरा नियम प्यास लगे तो पीना, तीसरा नियम नींद आई तो ही सोना। अब मजा आ गया, नींद आई तो सोना। अरे नींद की गोली कभी नहीं लेना, नींद नहीं आ रही है गोली मत लेना, देखो कितनी दिन नहीं आती। और छोड़ दो सब कुछ चिंता, ऋषि के पांच तत्वों को अपने अंदर लाओ। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सबके लिए करुणा, और हर काम ईमानदारी से। पांच तत्वों को अपने अंदर ला जाओ, देखो नींद कैसी आती है, अपने आप नीचे जमीन पे सो जाएंगी, नींद आ जाएंगी। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो ही सोना, नहीं तो ध्यान करते बैठना। और पांचवा जो है, घंटी बजे तो चले जाना। समझ में आ गया? घंटी बजे तो चले जाना। कहाँ चले जाना? दो नंबर। सबको मालूम है, क्या बात है, बहुत आप बहुत होशियार लोगो है ना। हाँ, तो चार नियम है खाने पीने के। भूख लगे तो खाना है, बगैर भूख का नहीं खाना। प्यास लगे तो ही पीना है, नींद आई तो ही सोना है, और घंटी बजी तो ही जाना है। नहीं तो बिल्कुल चिंता नहीं करना कि क्यों नहीं आ रही। हाँ, नहीं तो क्या होता है, सवेरे सवेरे कभी हमारी एक आधी बार 6-7 बजे हमारा हो जाता है, और एक आधी बार क्या होता है, जाता ही नहीं। फिर हम बोलते आज नहीं आ रही, पता नहीं आज क्यों नहीं आ रही। सारे गांव में ढिंढोरा पिटते हैं, दोस्तों को, घर के लोगों को, भैया किधर क्यों घूम रहे, नहीं आज आ ही नहीं। अच्छा क्या आज प्रेशर नहीं बना? अरे क्या, फिर चाय पियो। हाँ चाय पिला दो, एक प्रेशर बनता क्या देखता हूँ। कोई कोई लोग सिगरेट पीते, कोई बीड़ी पीते, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और टॉयलेट के अंदर पूरी लाइब्रेरी बना के रखते हैं, क्या तुम्हें मुझे नहीं आ रही? अरे भाई छोड़ो ना, आज नहीं तो कल कहाँ जाएंगी, आ जाएंगी ना। इतना खाया है, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से वहीं से निकलेंगे, चिंता मत करो। कहने का मतलब है हम बहुत चिंता करते हैं। गुरु जी बोलते हैं चिंता नहीं करना, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो जाना। हाँ, मैं कभी इसके ऊपर काम नहीं करता, मैंने जैसा गुरु जी ने बोला वैसे ही शरीर को छोड़ दिया। मेरा शरीर बोलता है मुझे 12 बज के भूख लगी है, मैं बोलता चलो खा लेते हैं। कभी भूख नहीं लगी, 2 दिन नहीं लगी तो मैं खाना ही नहीं खाता। आज लगता है फ्रूट खाना, दिन भर फ्रूट खा लेता हूँ। आज लगता है कुछ अलग खाना है, अलग खा लेता हूँ। कभी शरीर का ध्यान ही नहीं रखता, शरीर बोलता है तो देता हूँ। अब बोलता था पानी दे दे, मुझे मेरा शरीर क्या बोलता, बेटा पानी दे दे, 1 घंटा हो गया तूने पानी नहीं पिया। मैंने बोला ठहरना, अभी मैं चार्जिंग करके बताता हूँ, वही पी लेता हूँ, काम में काम दो, काम करता हूँ। और आप लोगों को भी मैंने उल्लू बना दिया, पानी चार्ज करके मुझे मैंने पानी पी लिया। चलो ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारा शक्तिपात है। शक्तिपात क्या होता है? हमारे पास जितनी पोटली में था लेवल 2 के हिसाब से हमने आपको दिया। हमारी पोटली इतनी ओवरफ्लो है कि वो ऐसा बोलता है कि क्या डालूं क्या नहीं डालूं, लेकिन लेवल के हिसाब से दूंगा, बीच में नहीं दूंगा। हाँ आगे चगे चलो, हम आपको सब कुछ देंगे। रेकी के साथ अध्यात्म, और अध्यात्म के साथ में साइंस। आपका होगा आध्यात्मिक जन्म। आपके शरीर के ऊपर चौकुरे निकाल के देखो, आध्यात्मिक जन्म की व्याख्या पता चलेगी। चौकुरे निकालो, इंग्लिश का 7 निकालो, पूरा का पूरा मूलाधार चक्र के पास रोको, एक सर्कल घुमाओ मूलाधार से, दूसरा सर्कल स्वाधिष्ठान से, तीसरा सर्कल मणिपुर से, आधा सर्कल अनाज चक्र पे, आधा सर्कल अनाज चक्र पे। मतलब शक्तिपात में तुम्हें कोई भी गुरु हो वो अनाज चक्र तक लाकर छोड़ते हैं, आगे का सफर तुमको तय करना होता है। यही सच्चाई है।
लेकिन लोग क्या करते हैं, वहीं जीते हैं और वहीं मरते हैं, वहीं के वहीं जीते हैं, वहीं जीते वहीं मर जाते हैं। एक एक मैं आपको आखिरी की कहानी बताता हूं और उसके बाद में मैं शक्तिपात के विषय में बताता हूं, फिर आपका शक्तिपात होगा। एक क्या हुआ, कुछ रिसर्च था, काफी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने क्या कर दिया, एक मधुमक्खी को लेकर आ गए, मधुमक्खी को एक प्लास्टिक के बॉटल में फिट कर दिया और वो बॉटल को पीछे से एक छेद गिरा दिया, और वो छेद में से क्या करते थे, वो मधुमक्खी को टॉर्चिंग करते थे। वो मधुमक्खी उड़ती थी, ढक्कन को लगती थी, गिरती थी, फिर और टॉर्चिंग करते थे, ढक्कन को लगती थी, गिरती थी, वो 50-100 बार गिर गई थी, फिर उसको रख दिया। दूसरे दिन और आ गए, मधुमक्खी को टॉर्चिंग किया, मधुमक्खी को जैसे ही लकड़ी को लग गई, वो ऊपर गई, गिर गई, ऊपर गई, गिर गई, क्योंकि उसका ढक्कन जो था बोतल का वो लगा हुआ था, और मधुमक्खी को ढक्कन लग के वो नीचे गिर रही थी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, एक हफ्ता तक यही कार्यक्रम चलता रहा, और आठवें दिन ढक्कन खोल दिया गया। देखना, जरा ध्यान से देखना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको पूरे जीवन में, ये मेरा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी ऐसे हो, देखो। हाँ, सीधा आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट, ये जो मधुमक्खी को टॉर्चिंग करते करते जब आठवें दिन ढक्कन खोल के रख दिया, और मधुमक्खी को जैसे ही लकड़ी से टॉर्चिंग किया, मधुमक्खी ढक्कन तक गई, नीचे गिर गई, ढक्कन तक गई, नीचे गिर गई, ढक्कन नहीं था फिर भी वो वहीं जाकर गिर रही थी। मधुमक्खी को टॉर्चिंग किया आठवें दिन, उसको आदत लग गई थी कि यहाँ ढक्कन है, मैं गिर जाऊंगी नीचे, मैं ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ है, मैं ऊपर नहीं जा सकता। और यही हमारे जीवन की कहानी है। हम सोचते क्या है, मधुमक्खी के जैसा हम क्या सोचते हैं, पैदा हो गया, स्कूल में गया, शादी हो गई, जॉब लग गई, बड़ा हो गया, दो तीन बच्चे हो गए, उनकी शादी, घर बनाया, गाड़ी ले ली, दो चार बीमारियां इकट्ठी कर ली, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, ये हमने सोचा। क्यों? क्योंकि हमने पड़ोसी को देखा, हमने रिश्तेदार को देखा, हमने पेपर में पढ़ा, हमने टीवी पे देखा, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, शादी होती है, दो तीन बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, उनकी शादी होती है, दो तीन बीमारियां हो जाती है, बीमार हो जाता है, लकड़ी हाथ में आती है, चश्मा लगता है, बाल सफेद होते हैं, बीमार हो जाता हूँ, पीलिया हो जाता है, ढीलिया हो जाता है, आंखों में क्या बोलते हैं उसको, रेटिना आ जाता है, मोतिया हो जाता है, ये हमने मधुमक्खी के जैसा सोच के रखा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी उम्र तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में, खुश रहना है खुश रहना है, दुखी रहना है, बीमार रहना है, स्वस्थ रहना है, अमीर रहना है, गरीब रहना है, तुम्हारे हाथ में। अब तुम्हारे हाथ में मतलब तुमको पता चलने को ना ढक्कन खुला हुआ करके, तो रेकी सीखने का मतलब है उड़ जाना। चलो मेरे साथ उड़ने को, चलो उड़ने को, चलो अपने आकाश में, चलो अपना आकाश देखो, लिखो अपनी गीता अपने हाथों से, लिखो अपना आकाश, चलो उड़ जाओ, देखो पूरी दुनिया को, दुनिया भ्रम में जी रही है, दुनिया अंधकार में जी रही है, उजाले को हाथ में ले लो और चलो उड़ जाओ अपने आध्यात्मिक जन्म के तरफ, चलो उस भदमा उस परमात्मा भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड के पास, वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमेव बन्धनातं मृत्यो मोक्षी अमामृतातम्। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मैं आपके चरणों में सादर नमन करता हूं, मुझे इस महाविद्या को सिखाने का मौका दिया, मेरा शरीर का माध्यम बनाकर इस महाविद्या को मेरे मुख से बुलवाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे मुख से जो शब्द इधर उधर हो गए होंगे उसके कारण आपका मन दुखा होगा, तो मैं आप सभी लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ईश्वर का, पूरे ब्रह्मांड का, मेरे गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ।
जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मैं आंखें बंद करके पूरे के पूरे कोर्स सिखाता हूँ, पूरे आंखें बंद करके पूरे कोर्स सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सिखाता ही नहीं हूँ, सिखाने वाला कोई और है, शरीर का माध्यम मेरा है। जिस तरह से तुम रेकी का उपचार करते हो, तुम्हारा शरीर का वो माध्यम बनाती है, तुम्हारे हाथों से निकलती है, तुम कुछ नहीं करते, करने वाला रे और की होता है। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा तुम्हारे शरीर का माध्यम बनाकर तुम्हारे हाथों से निकलती है। वो सबसे पहले तुम्हें स्वस्थ करेगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे परिवार के रिश्ते अच्छे करेगी, उसके बाद तुम्हें अमीर बनाएगी, और उसके बाद तुम रेकी का प्रसार और प्रचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें स्वस्थ रहना है तो खुद के लिए तुमको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तुमने आज तक जो गलत खाया है उसके ऊपर तुम्हें थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे खाना है, कब खाना है। आपके ग्रुप में कल एक आदर्श आहार प्रणाली आएगी, उसी प्रणाली के अनुसार आपके जीवन को, आपके आहार को चेंज करना है। आपका कुछ भी नहीं छीना गया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। अगर वो डाइट आपने अपनाया, दुनिया की कोई बीमारी आपके शरीर के पास तो छोड़ो, आपके घर के आजू बाजू में भी नहीं भटकेंगी। अगर इस कोर्स के 4 दिनों के अंदर आपको कुछ भी असुविधा हुई हो, आपका मन दुखा हो, आपको परेशानी हुई हो, तो मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों आज आपका शक्तिपात है, बस थोड़े ही 5 मिनट के बाद शक्तिपात की हम शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है, कमरे की रोशनी को धीमा करना है, आंखें बंद करके बैठना है, पालथी मारकर बैठ सकते हो जमीन के ऊपर, और कुर्सी पर बैठ सकते हो, सोफे के ऊपर बैठ सकते हो, इतना ध्यान रहे। अगर पाँव नीचे करते हैं तो पाँव को क्रॉस नहीं करे, चश्मा निकाल कर रख दे, आराम से बैठे, कोई टेंशन में नहीं बैठना है, समर्पण भावना से बैठना है, दोनों हेडफोन लगाने हैं, बच्चों के कोलाहल से बाहर जाकर बैठना है, जहां कोई नहीं हो, सिर्फ आप हो और मैं, मेरी चेतना थोड़ी ही देर में बिल्कुल शक्तिपात के बीच में आपके पीछे आकर खड़ी रहेगी। इसका कई साधक अनुभव करेंगे। मैं आपके मूलाधार चक्र पर पड़ी हुई कुंडलिनी ऊर्जा को मेरे दिव्य शक्तियों के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा और अनाज चक्र पर स्थापित कर दूंगा, जिसको कि हम कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, जो कि मानव के, हर मानव के मूलाधार चक्र में 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी शक्ति होती है, और चौकुरे इसी शक्ति का प्रतीक है। इंग्लिश के 7 को अगर आपने सर्प का मुंह बना दिया तो आपको समझ में आएगा 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई मूलाधार में बैठी हुई मानवीय सर्प रूपी कुंडलिनी ऊर्जा। इस ऊर्जा को दिव्य शक्तियों के माध्यम से एक ग्रैंड मास्टर और मास्टर जो रेकी के मास्टर होते हैं, रेकी के आचार्य होते हैं, उनके पास में वो टेक्निक होती है और वो सारी विद्याओं को जानते हैं, इसीलिए उस कुंडलिनी ऊर्जा को वहां से वो अपने चर कमलों से और अपने विद्याओं के बल पे मना चक्र पे स्थापित करते हैं। आगे का सफर आपको तय करना होता है। हृदय में कोमलता लाना, वाचा में नम्रता लाना और आंखों में पवित्रता लाने के लिए आपको खुला छोड़ दिया जाता है, और जैसे जैसे रेकी के 5 तत्वों को और इन 3 चीजों का उपवास करके आप आगे बढ़ते हो, तो आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है। मास्टर कोर्स में हम आपका बर्थडे मनाते हैं, उस कोर्स में आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। दोस्तों आपको पता है आपके मूलाधार में क्या है, आपके मूलाधार में, आप ओशो को पढ़ो, ओशो बोलते हैं मूलाधार में ओजस की ऊर्जा है, आपके मूलाधार में ओजस की ऊर्जा है। ये ओजस की ऊर्जा दो दो प्रकार से काम करती है, अगर ये बाहर गई तो एक जीव का निर्माण करती है, और अगर ये ऊपर चढ़ी तो भी एक जीव का निर्माण करती है। बाहर गई तो जीवात्मा बच्चा पैदा होता है, और जब ऊपर चढ़ती है अनाज चक्र के ऊपर आध्यात्मिक जन्म होता है। आपका आध्यात्मिक जन्म कब होगा, जब आपकी कुंडलिनी ऊपर बढ़ेगी और वो मधुमक्खी की तरह रुकेगी नहीं मणिपुर चक्र तक, वो अनाज चक्र के ऊपर दौड़ के जाएगी। इसी को बोलते आध्यात्मिक जीवन, इसी को बोलते अध्यात्म। अभी हम रेकी में आकर मूलाधार चक्र से लेकर मणिपुर चक्र तक का जीवन नहीं जीते। मूलाधार चक्र का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब है आशा आकांक्षाएं धारणाएं काम वासनाएं, मणिपुर चक्र का मतलब है क्रिएटिविटी, घर लूंगा, बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, फैक्ट्री लूंगा,
पैसे कमाऊंगा, ढमका कमाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा और करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अनाज चक्र का मतलब है प्रेम, विशुद्धि का मतलब है अच्छे शब्द, अच्छी वाचा, और आज्ञा चक्र का मतलब है पवित्रता। यहाँ पर कोई बढ़ता ही नहीं, यहाँ पर कोई बढ़ता ही नहीं, और जो बढ़ते उनको साधक बोला जाता है। आपको साधक बनना है या नीचे रहना है, अब आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है। चलो एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। अभी आपका शक्तिपात शुरू होगा, 5 मिनट का समय। 5 मिनट के बाद राइट 10:30 पर आपको आंखें बंद करके दोनों हेडफोन लगा के बैठना है। सुनाई नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो बिल्कुल सकता। आ रहा है, बिल्कुल सुनाई आ रहा है। सुनाई रीज्वाइन कर आ रहा लीजिए, है आवाज? रीज्वाइन कर लीजिए इस आप रूम को। जिनको, हाँ जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो रीज्वाइन करे। आप अपने नेटवर्क का चेक करें, अगर नेटवर्क कमजोर है तो कोई और जाकर बैठे। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ सुनाई भी नहीं आया ना, तो थोड़ा बहुत अगर आपने मेरी आवाजों को कभी बीच में भी सुना चालू शक्तिपात में, तो भी आपका शक्तिपात हो जाएगा। क्योंकि ये हम मन की एक अवस्थाएं होती है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, हम कुछ अलग लेवल पे आपको लेकर जाते हैं। 15 मिनट का ध्यान का प्रयोग रहेगा, उसी के अंदर आपका जागरण होगा और उसी के अंदर आपका शक्तिपात होगा। मेरी चेतना आपके घर आ रही है, वेलकम करो मेरा। वेलकम भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं देखूंगा तुम्हारे किचन में क्या क्या है, कितनी चीनी है, कितनी कॉफी है, वो भी देखूंगा। हाँ धन्यवाद। दिल्ली तक तो क्लियर है, वेलकम टू भाई। ओके बात, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब हम शक्तिपात करते हैं, और शक्तिपात के बाद, शक्तिपात जैसे ही होगा, आप लोगों को मुझे दो शब्द बोलने हैं, 3 बार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही गुरु दक्षिणा आपकी है, मेरा धन्यवाद करना है, और एक बात ईश्वर का धन्यवाद करना है, गुरु का धन्यवाद करना है। भैया का धन्यवाद नहीं करना, गुरु का, गुरु के तत्व का। मेरे अंदर एक तत्व है ना, गुरु तत्व, उसका धन्यवाद जो आपको शक्तिपात करेगा। और सुरक्षा, कोई भी बैठ सकते हैं, सुखासन बैठ सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन, जहां पर भी बैठना है आप बैठ सकते हो। पालथी मारकर बैठ सकते हो, और टिका कर बैठ सकते हो, आप लेट भी सकते हो। अगर आप बैठ नहीं पाते तो लेट भी सकते हो। कोई पूछना है तो मैं आपको ओपन कर रहा हूं, ताकि किसी का प्रॉब्लम ना रहे। पूछ सकते, फटाफट 2 मिनट में पूछिए, गुरु जी के हैंड रेज है, किसी का हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं अपना। जल्दी जल्दी बताइए। गुरु ओके, जी, चप्पल पहन हाँ के रखना है कि उतार देना? मेरी माँ चप्पल क्यों पहन रही हो, छोड़ दो ना। हाँ चश्मा भी उतारना है, हाँ चश्मे वाले सोनल दीदी, विनीता दीदी, कितने चश्मे वाले, कितने लोग हैं यार चश्मा पहनते हो। हाँ कोई बात नहीं, चश्मा पहनो अच्छा दिखता है, मैं भी पहनता हूँ कभी कभी। हाँ चलो ठीक है, तो अभी हम आपका शक्तिपात शुरू कर रहे हैं। जो लोग मुझे YouTube पर ऑनलाइन देख रहे हैं, YouTube पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका लेवल 1 2 का शक्तिपात होगा, दो सिंबल को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो कल के बाद, और आपके जीवन में वो आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। सभी दिव्यात्माओं को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और शक्तिपात को शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करके बैठना है, कमरे की रोशनी को धीमा करना है, वीडियो बंद कर सकते हैं, आपके चेहरे का मुझे कोई काम नहीं है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, कमरे की रोशनी को धीमा कर दिया है आपने, अगर रोशनी धीमी नहीं कर सकते हैं तो आंखों के सामने कोई लाइट नहीं आए, ऐसी व्यवस्था करें जहां तक संभव हो अपने दोनों के आंखों के सामने कोई भी प्रकाश नहीं हो। अब आप
आरामदायक अवस्था को ग्रहण कर ले, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो बेड पर भी बैठ सकते हैं, जमीन पर पालथी मारकर आसन लगाकर बैठ सकते हैं। इतना ध्यान रहे, कुर्सी पर और सोफे पर पांव नीचे करके अगर आप बैठे हैं तो पांव को क्रॉस नहीं करें, पालथी मार सकते हैं। पालथी का मतलब क्रॉस करना नहीं होता। चश्मा उतार कर रखे, चमड़े का बेल्ट उतार कर रखे, मोबाइल को बाजू में रख दे, दोनों हेडफोन लगा दे, आवाज को कम ज्यादा एडजस्ट कर ले साउंड को, और अब धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को आराम से बंद करे और ऐसा ख्याल करे कि आपकी आंखें अपने से बंद हो रही है। एक लंबी और गहरी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। पूरा शरीर शांत हो रहा है, पूरा शरीर शांत हो रहा है। एक और लंबी सांस अंदर भरे, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, और धीरे से बाहर। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, शिथिल हो रहा है। हर सांस के साथ अपने शरीर को और ढीला छोड़ते जाए, और ढीला, और ढीला, और ढीला, और एक आरामदायक अवस्था में चले जाए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, शांत हो रहा है। रिलैक्स और रिलैक्स। आने वाले 15 मिनट कोई नहीं है आपका, ऐसा समझ के बैठना है। बिल्कुल आप अकेले हो और आपके साथ है ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य प्रकाश जो है आपका स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः तस्थवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, अग्रसर करे, अग्रसर करे। अब आप अपनी 5 सांसों को देखना शुरू करें। सांस अंदर आई और बाहर गई, ये सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ एक हो जाए, उसको देखना शुरू करें। देखो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, यही सांस आपको आपके लक्ष्य के ओर लेकर जाएगी। बुद्ध कहते हैं, तेरा साई तुझमें है, जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक
में आग तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम हमारी संपत्ति, हमारी खुशियां, हमारे आनंद और जीवन की खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, जबकि सारा खजाना, सारी संपदा हमारे अंदर मौजूद है और ध्यान के माध्यम से हम उसे एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आज का प्रयोग आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रयोग है, यह आपके जीवन में रोशनी लेकर आएगा, यह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। आपको समर्पित होना है, सरेंडर हो जाना है, आने वाले 15 मिनट एक हो जाना है अपनी सांसों के साथ, सांसों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। जैसे जैसे आप अपने सांसों को देख रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। दोनों हाथों को थाइस पे रख दे, शरीर को ढीला छोड़ दे। अब अगर कहीं संवेदना है, कहीं खुजली आएगी तो कहीं चींटी काटेगी, लेकिन आपको डटे रहना है, उसको देखना है। जैसे ही आपने अपने उस अंग को देखा जहाँ खुजली हो रही है या चींटी काट रही है या लगता है कि मुझे टच करना ही पड़ेगा, आपको सिर्फ उस अंग को देखना है। आप हैरान रह जाएंगे, ना चींटी होगी ना खुजली, ये हमारे अंदर का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो हमें रुकावटें पैदा करता है, रुकावटें लाता है। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है और आपका मन गहन विश्राम में उतरता चला जा रहा है, उतरता चला जा रहा है। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप कल्पना करें, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्रा के तरफ आ रहा है, आपके क्राउन चक्रा में जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है और धीरे धीरे आपका शरीर सफेद रंग का होता जा रहा है। ये प्रकाश आपके माथे के ऊपर घूम रहा है, आपका माथा शिथिल हो गया, शिथिल शिथिल शिथिल, चेहरा शांत शांत शांत, चेहरा शांत हो गया, आंखें शांत हो गई, ठुड्डी और गर्दन रिलैक्स और रिलैक्स, छाती रिलैक्स, दोनों कंधे शांत शांत, बाहें रिलैक्स, कोनिया, कलाइयां, हाथों के तलवे और उंगलियां रिलैक्स हो चुकी है, शांत हो चुकी है। अगर आपके शरीर में कहीं संवेदना है तो उसको देखना शुरू करें, उसको टच
टच नहीं करे। कुछ ही समय के बाद वो गायब होने लगेगी। हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक बन जाते हैं, और जब नकारात्मक सोचते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए रुकावटें पैदा करता है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके छाती में गया और पूरी छाती सफेद हो गई। देखे, अब छाती के नीचे, पेट में, कमर, थाईज, धीरे धीरे ये प्रकाश घुटने तक गया और घुटने तक का शरीर शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। घुटने के आगे पिंडलियां और दोनों पांव पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। आप मेरे शब्दों को भी सुन रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं। आपका शरीर ढीला पड़ चुका है, और ढीला और ढीला और ढीला। अपने शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़े, जैसे कि शरीर है ही नहीं। सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़े, हड्डियों को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत शांत, शिथिल शिथिल शिथिल, ओम शांति। अब मैं एक से लेकर पांच की गिनती करूंगा। जब मैं पांच से लेकर जीरो तक आऊंगा, जीरो कहते से ही आपका शरीर स्टैचू बनेगा, पुतला बनेगा, मिट्टी का पुतला बनेगा। उसके बाद आपका और मेरा संपर्क स्थापित होगा। फाइव, आपका शरीर शांत हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, शिथिल हो रहा है। फोर, और ज्यादा ढीला और शिथिल और शांत। थ्री, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टू, शांत शांति। वन, पूरी तरह से शांत, एंड जीरो जीरो शांति शांति है। इसी शांति की तलाश थी, और आज पूरा मन, शरीर और आत्मा शांत हो गए हैं। आनंद ही आनंद आ रहा है। अब अपना ध्यान आकाश की तरफ लेकर जाएं। देखे, आकाश में चंद्रमा है, नीला आकाश, बीच में चंद्रमा, सफेद रंग का चंद्रमा। आप चंद्रमा को देख रहे हैं,
जो बिल्कुल आपके क्राउन चक्रा के ऊपर है, एकदम आकाश में चंद्रमा से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश दिव्य शक्तियों को लेकर आपके क्राउन चक्रा के तरफ बहुत तेज गति से आ रहा है और ये आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपका शरीर प्रकाशमय हो गया है, ढीला पड़ गया है, शांत रिलैक्स रिलैक्स। ये प्रकाश आपके आभा मंडल में आपके शरीर के चारों तरफ घूम रहा है, ये आपके कमरे के इतना, आपके शहर के इतना हो गया है, बढ़ता बढ़ता पूरे देश के इतना, अब पूरे देश से भी बाहर पृथ्वी के इतना हो गया है। पृथ्वी के बीच में आप बैठे हो, आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ये आकाश में जा रहा है, पृथ्वी के नीचे भी आकाश है उसमें भी जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है, हर ऊर्जा से मिल रहा है। आप पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो चुके हो, यही आपका स्वरूप है, सत चित्त आनंद। और अधिक धीमी होती जा रही है और आपका मन शांत और अधिक शांत हो रहा है। आपके चेतना मुझे सुन रही है, मेरी चेतना आपकी चेतना एक होने जा रही है, मैं बिल्कुल आपके पीछे खड़ा होने के लिए आ रहा हूं। 1, 2 एंड 3, मैं आपके पीछे बिल्कुल पीछे खड़ा हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ मेरा संपर्क बन चुका है, अब सारी दिव्य शक्तियों को मैं आपके क्राउन चक्रा में प्रवाहित करूंगा। किसी किसी को देवी देवता, कोई कलर, कोई दिव्य आत्मा महसूस हो सकते हैं, शरीर को स्पर्श महसूस हो सकता है, आपके शरीर को ठंडी हवा, गर्म हवा लग सकती है, आपको बहुत आनंद आ रहा है। मेरी चेतना आपके मूलाधार चक्र को टच करके इस दिव्य ऊर्जा को अनाज चक्र के ऊपर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ओ
हे दिव्यात्मा, तुम दिव्य शक्ति के सक्षम ऊर्जा के उपचारक बन चुके हो। तुम्हारे हाथों के चक्र खुल चुके हैं अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए। चौकुरे कुंडलिनी ऊर्जा से की इस ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए। आपके शरीर के सातों चक्र चमकदार हो रहे हैं। आपके आभा मंडल में सारी पॉजिटिव एनर्जी जमा होकर सफेद रंग का बॉल बन चुका है। आप एक सफेद रंग के बॉल में बैठे हो। ये आपका आभा मंडल है, ये आपकी रक्षा करता है। आप जैसे ही रेखी शक्ति का आह्वान करेंगे, ये ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित होगी। आपने अपने माँ को आवाज दिया और माँ हाजिर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम स्वाभाविक चेतना में आएंगे। आपका शक्तिपात ये विधि संपन्न हो चुकी है। अब मैं एक से लेकर पांच की गिनती करूंगा। जैसे मैं पांच करूंगा और एक ताली बजाऊंगा, उसके बाद आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। वन, अपने कमरे को महसूस करें। कैसा कमरा है आपका? देखो, राइट की तरफ क्या था, लेफ्ट की तरफ क्या था, सामने क्या था, पीछे क्या था। टू, अपने घर को महसूस करें, ठंडी हवाओं को महसूस करें। थ्री, वातावरण पर्यावरण को महसूस करते हुए अब अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेकर आए। एक लंबी सांस अंदर ले और मुंह से छोड़ दे। फोर, एक और लंबी सांस अंदर ले और मुंह से छोड़े। और जैसे मैं पांच कहूंगा और ताली बजाऊंगा, आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे, एनर्जेटिक चेतना में, सारी ऊर्जाओं के साथ। एंड फाइव, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का इस अनोखी दुनिया में स्वागत है। ये ऐसी दुनिया जहाँ हाथ रखेंगे और उपचार होगा। ये ऐसी दुनिया जहाँ आपने बोला वही घटित होगा। अब आप दोनों हाथों को आराम से रब करें और अपने आंखों पर रख दें। आपका शक्तिपात संपन्न हो चुका है। अभी आप चौकुरे से की दोनों सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस महाविधि का हिस्सा बन चुके हैं। इसका प्रचार और प्रसार करना, लोगों को सिखाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस महाविधि का हिस्सा बनाने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद गुरु भाई, धन्यवाद गुरुदेव धन्यवाद, 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 धन्यवाद 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 गुरुदेव, गुरुजी धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, किसी किसी को अनुभव हो गया होगा, कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य कलर, किसी किसी को कौन से देवता दिखे है कोई, आप अपने अनुभव बता सकते हैं। हाँ, हाँ गुरु जी, ग्रीन कलर दिखा, ग्रीन कलर दिखा, किसी को ग्रीन कलर दिखा, देवता दिखे, वगैरह भी दिखे, किसी के हाथ गर्म हो गए, वायलेट वायलेट कलर दिखा, वायलेट कलर दिखा, क्या बात है, बहुत चार बार अच्छे, झटके भी आए, झटके आ गए, अरे वाह, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद कुछ नहीं आएगा, शक्ति बात में आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कभी कभी। गुरु जी मेरे को धन्यवाद, मेरे को हवन, जैसे हवन करते हैं तो स्मेल आते हैं, हवन पे स्मेल आ रही थी, बहुत कलर अच्छे, कोई बात नहीं, जो भी हुआ नहीं भी हुआ तो भी शक्तिपात हो गया आपका, अभी आप बिल्कुल दूसरे के उपचार करने के लिए सक्षम हो। अब आपके ग्रुप में कल दो ऑडियो आएंगे, एक आएगा 24 पोजीशन का ऑडियो, एक आएगा स्वयं उपचार का ऑडियो, आपको जो करना है कर सकते हो, जो भी करे आगे बढ़े, बढ़ते रहे। 29 मई को हमारा लेवल 3 शुरू होगा, 29 मई 2023 मंडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का 5 दिन का कोर्स रहेगा, ये कोर्स पेड कोर्स है, आप जो भी ग्रुप में हो उसी ग्रुप में आपको एनर्जी एक्सचेंज का स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको मैसेज आ जाएगा, ये हमारी छोटी बहुत एनर्जी एक्सचेंज रहती है, इसमें लेवल 3 का बाहरी मूल्य 20,000 है, लेवल 2 का 11,000 है, और लेवल 3 सब लोग 3 करते हैं, लगभग लेवल 3 और लेवल 2 मिलाकर 30-35 हजार रुपए, मास्टर लेवल के 35,000 और ग्रैंड मास्टर के 40-50 हजार, बाकी का खर्चा अलग, और फिर इतना होने के बाद में भी आपका फोन कोई उठाता नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता नहीं, हमारे विश्वरेखी अभियान के जितने भी ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके ग्रुप में आपको जवाब मिलता है, पीडीएफ मिलता है, और आपको हर बुधवार को मीटिंग ज्वाइन करने का अवसर मिलता है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने के बाद, तो 29 मई तक 29 मई आने वाले 29 तारीख तक आप अपना 24 पार्ट का उपचार शुरू कर सकते हैं, 21 दिन करना है, 2-4 दिन छूट गए कोई बात नहीं, उतने आगे बढ़ा देना, अगर आपके पीछे भी शादी है कोई काम है तो आप अभी मत करो, आप बाद में शुरू कर लेना, लेकिन 29 तारीख के कम से कम एक हफ्ता पहले आपको उसको शुरू करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप थर्ड लेवल में नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपने प्रति अवेयर नहीं हो तो फिर हम आपको कच्चा फल हम नहीं खाते, हमें पका हुआ फल चाहिए, और जो साधक इसको समझ गए वो हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। इतना आज के लिए कहूंगा, जो लोगों ने मुझे लाइव देखा, पूरे दुनिया के लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे पता है, आप लोगों को भी मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, अमीर बने, अपने जीवन के मालिक बने। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। गुरु जी स्वयं का ओरा क्लींजिंग करना है, पहले वो काला करते हैं वो करना है, फिर करना है उपचार स्वयं का, ऑडियो आएगा ऑडियो लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑडियो लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ओरा क्लींज वगैरह सब उसमें है, आपको सिर्फ हेडफोन लगाने और बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। बोलो। हाँ जी गुरु जी, एक बात थी, मेरे जो बीच में बैक से स्पाइन से पेन आता है वो राइट हिप की तरफ जाता है पूरा, वो कल मैंने जैसे करवाया करा आपके साथ, लेकिन उसमें मुझे आराम नहीं हुआ, मैं जैसे ही खड़ी हूँ। पोजीशन कीजिए, 24 पोजीशन 24 अंगों का उपचार कीजिए, सब ठीक होगा, 21 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। 21 दिन की साधना कैसे करनी है? गुरु जी राइट साइड के ऊपर पेन रहता है, जब मेरे एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ठीक ही नहीं हुआ, बहुत साल हो गए।
आपके जितने भी डाउट है गुरुजी निकल गए हैं, चले गए हैं शायद, जितने भी डाउट हैं आप 21 दिन का उपचार करेंगे, उसके बाद आपको ये बीज मंत्र कब देने वाले? बीज मंत्र उससे क्या करना है आपने? नहीं वो साधना करने के लिए बीज मंत्र देने। आपने रेकी सीखी है पहले? नहीं अभी सीख रही हूँ। आप मतलब नहीं, आपको जो बताया जा रहा है ना वो अगर बीज मंत्र आपको अभी नहीं करना, आपको 24 पार कर रहे हैं, अगर आपने अभी शुरू कर रहे हो तो ग्रुप पे समय समय पे आता रहेगा, आप अपने आप मत मांगे, क्योंकि जब समय आएगा ना आपका किसी चीज का आपको दे दी जाएगी। सर डॉक्टर 11th में कैसे एनरोल करना है? इसमें बेटा आप जिस ग्रुप में भी हैं उस ग्रुप में आपके पास मैसेज आएगा, लेकिन अभी नहीं करना, अभी आपने 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ। आपको 10-12 दिन के अंदर आपको आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा कि उसके अंदर एक एनर्जी एक्सचेंज है 3,000 रुपीज का, वो आपको पे करके आपको पेड ग्रुप में आपको एनरोल करा दिया जाएगा। 21 दिन का प्रैक्टिस का ऑडियो आएगा क्या ग्रुप में? क्या कह रहे हो? 21 दिन की जो प्रैक्टिस कर रही है करनी है उसका ऑडियो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, जैसा गुरुजी ने बताया मैंने बताया आपको, दो ऑडियो आएंगे, 24 पार्ट का आएगा, एक आएगा आपको सेल्फ हीलिंग का 15 मिनट का। अभी आपने 24 पार्ट वाला करना है, उसके बाद 21 दिन बाद आपने 15 मिनट वाला करना है, लाइफ टाइम फायदा मिलेगा, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या करना आपको? लेवल की कॉस्ट क्या है? देखिए सुनिए सुनिए, आप एक एक प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपने सीखा है कुछ, सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप ही करोगे, वो हम 20 साल पुराना सोराइसिस है तो वो मिट जाएगा? आप डाउट में रहोगे तो नहीं मिटेगा, आप बार बार पूछोगे मिट जाएगा, बीमारी है बीमारी है, आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहे, अब आपको ये बोलना है कि मेरा मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ। रेकी में यही सिखाया जाता है, आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, और आप बार बार उस 20 साल पुरानी चीज को कुरेद रहे हो, कभी ठीक नहीं होगी। और आपको ये 20 साल हुए भी इसलिए है कि आपने उस चीज को बार 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 बोला है, जिस चीज को बार बार बोला जाता है ना वही चीज बढ़ती है। रेकी में हर चीज को हम 3 बार बोलते हैं। अभी आपके पास ऑडियो आएगा ना, आप ऑडियो देखना, ऑडियो में आपको बताया जाएगा आपने वही करना है, आप ये हो जाएगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको नहीं फायदा होगा। ठीक है, तो आप लेट के कर सकते हैं जो हीलिंग है अपनी के ऊपर, लेट के कर सकते हैं कि बैठ के करना है वो हीलिंग? वैसे लेट के करते हैं और बैठ के करते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत के साथ हमेशा से आती है कि किसी का वेट ज्यादा है, किसी के कंधे में कमर में दर्द है, नहीं बैठ पाते, वो जेन्युइन चीज होती है। तो आप कहते हैं कि ये कहावत है, जहां ध्यान जाता है वहां रेकी बहती है, तो आप जैसे नहीं बैठ पा रहे आप लेट जाइए, और लेट के उस अपने अंग को विजुलाइज कीजिए, और हाथ वहां कर दीजिए और विजुलाइज कीजिए आपके हाथ से रोशनी निकल के वहां जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों के साथ में है कि 1 घंटा बैठना इस बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको कि 1 घंटा नहीं होता लोगों के पास, ऑफिस जाना है, कभी कभी सुबह कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं, तो आप 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, 12 पार्ट पहले कर लिए मॉर्निंग में, 12 पार्ट आपने इवनिंग में कर लिया, नाइट में कर लिए, तो जहां आप छोड़ोगे ना वहां से वहां से दोबारा शुरू करने हैं तो आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आधा घंटा भी नहीं निकाल पाए अपने लिए तो आपके लिए आराम, पहले आराम कीजिए घर में, रेकी को छोड़ दीजिए, हम तो ये कहते हैं। सर तीसरे लेवल की कॉस्ट कितनी है? बेटा 3,000 रुपीज है केवल, मात्र 3,000 रुपए। सर ये कितने दिन होगा थर्ड लेवल? ये लगभग लगभग 5 दिन होगा, लगातार चलेगा ऑनलाइन ही। कितने सिंबल सिखाएंगे सर? सर उसका भी टाइम यही रहेगा 9 बजे से? नहीं, हमारा 9 बजे ही होता है हमेशा। अच्छा ठीक, रेकी का टाइम 9। कल से क्या करना है उसमें? आपको जैसे गुरुजी ने बताया था उसमें आपको सर्जरी करना सिखाया जाएगा, भूत प्रेत जो होते हैं साइकिक अटैक निकालना जिसको बोलते हैं वो सिखाया जाएगा, तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत अटैक करती है, हम कहीं जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है, ठीक है, और ऊपरी चक्कर जो होता है वो निकालना सिखाया जाता है। आपको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को चेंज करना उसमें सिखाया जाता है, जिसे कहते हैं साइकिक सर्जरी, ठीक है। उसमें आपको अभी आपने सीखा उसों का उपचार करना 1-to-1 आमने सामने, उसमें आपको डिस्टेंस से भी सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको सिंबल मिलेगा डिस्टेंस, आपको इंडिया में बैठ के या किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में बैठे बंदे का उपचार कर सकते हैं। सर विश्वास के लिए पूछना था,
कि वो आप भेज देंगे क्या? कितने का होगा? बेटा मेरा काम है क्रिस्टल्स का, मैं क्रिस्टल सप्लाई करता हूँ होलसेल में। अगर मेरे साथ काफी रीसेलर जुड़े हुए हैं, अगर आपने होलसेल में लेना है, रिटेल में लेना है, आप मेरे नंबर मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो मैं पूरी तो कैटलॉग लेवल भेज। 3 में कितने सिंबल सिखाएंगे सारा? लेवल 3 में आपको करेक्शन सिंबल आएगा, उसके बाद आपको डायकोमियो मिलेगा आपको, और लॉन्ग चौकोनी मिलेगा, तीन चार सिंबल मिल जाएंगे। टोटल जो सिंबल मिलेंगे आपको ग्रैंड मास्टर 33 सिंबल्स मिलेंगे। सर आप सर दिल्ली से ही है दोबारा क्या? क्वेश्चन अगर सुनूंगी क्या? क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, सर आप दिल्ली से ही हाँ है? बेटा मैं दिल्ली से हूँ। सर दिल्ली में कहाँ आपका पर सर? एक दिल्ली एक करके मतलब मैं आज कमला नगर, दिल्ली कमला नगर से हो ना भैया आप? दिल्ली कमला नगर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, मेरा विजयनगर मेरा ऑफिस है। आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? मेरा है ना नंबर ग्रुप लिखो, में? ग्रुप में ग्रुप में है ना? लिख लीजिए मेरा नंबर। अब मेरा नंबर ग्रुप में ही है, अगर आप ग्रुप में हैं तो। मेरे किस नाम से? राज शर्मा है, आप नंबर लिख लीजिए 920। नाइन 920? टू हाँ नाइन टू जीरो जी, दो बार है 920? नहीं, 920 हाँ जी, 517 517 1 7 15 1 5 5 47 4 47 सर और विजिबल हम लोग इस। बस अलग अलग होंगे क्या? मैंने हेलो मैंने चैट बॉक्स में भी लिख हाँ दिया जी, है। अगर सर हम सैटरडे 29th नंबर को नहीं कम कर है क्या? पाते हैं तो दोबारा फिर होगा ये थर्ड लेवल? मतलब 29th को जैसे घर में कुछ है नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़े दिनों बाद रिपीट होता है थर्ड हाँ ये लेवल? लगभग देखिए थर्ड लेवल एक हमारा, फर्स्ट लेवल तो रिपीट फर्स्ट सेकंड जल्दी होता है, थर्ड लेवल में टाइम लगता है, फोर्थ फिफ्थ लेवल में हमारे को और टाइम लगेगा, लगभग 4 महीने लग जाते हैं, तो लगभग 2 महीने में रिपीट हो जाता है। अच्छा, अगर जैसे नहीं हम एंड ऑफ मई कर पाएंगे तो फिर जुलाई जुलाई में मिलेगा हमें टाइम? हाँ आ जाएगा। सर नंबर फिर से बोलिए ना। 920 सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ बोलिए 920। मैंने चैट बॉक्स में डाला है 920-517-1547। 1547 9 हैंग ऑन 920 जी 517-1547। 5447 सेवन अच्छा। और सर आपका नाम क्या है सर? आध्यात्मा राज आपने लिखा है आपका यूजर नेम। राज हमारे सेंटर का नाम है, आपका नाम और सर? राज शर्मा नाम है मेरा, राज शर्मा सर एक जो बार दिल्ली से है दिल्ली से बताओ। डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे ऑफिस में, और मेरा पूरा सेंटर है वहाँ पे पूरा डिस्प्ले है हमारा, और तो कितना या कंटिन्यू बाकी बोल। जो लोग बाहर से हैं वो कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। हेलो ठीक है। जी बेटा बोलो। हेलो सर विश्वास का मनोकामना कुछ तो अलग अलग होंगी क्या? विश्वास और मनोकामना एक ही चीज होगी ना? तो उसी में वो चिट भी रख सकते हैं और उसी में विश भी। क्या 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 दोबारा बोलो। तो ग्रुप में आए थे ना कि मनोकामना एक बार में सिर्फ एक ही कर सकते हैं। मनोकामना क्या? कोई मनोकामना है तो एक बार में एक ही कर सकते हैं, और विश्वास तो बनेगा ही, लेकिन अगर कोई मनोकामना है तो वो एक बार में एक ही कर सकते हैं, अभी विश बॉक्स में डाल सकते हैं आप ना अपनी उसी में मनोकामना डाल जितनी। सकते हाँ विश बॉक्स में आप डाल सकते हैं लिख के, आप उसे फोटोग्राफ डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो आप पेपर में लिख के भी उस पर रख सकते हैं, कि फोटोग्राफ दे उसके ऊपर पिरामिड रखे। सर। ये तो सर बिल्कुल गलत पिरामिड है, रखना बीच में जरूरी है? ठीक रखेंगे मनोकामना अलग से है बेटा, रखेंगे। होता क्या है मैं बताता हूँ। पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड की आप एक अपने एक एनर्जी होती है। अभी हम लोग अभी 9 बजे हम लोग 22 तारीख से क्रिस्टल का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, इसी 9 बजे अपना, तो उसमें हम बताएंगे कि हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की एक शेप जो होती है ना, ऊपर से एक एनर्जी लेता है यूनिवर्स से और नीचे पूरा बिखेरता है। आपने देखा होगा जितना मंदिर मस्जिद है उनके ऊपर गुम्बद बना होता है, जी तो पिरामिड को अगर आप अपने खाने के फ्रिज में रख दो, पिरामिड को बच्चे की बुक्स के ऊपर रख दो, पिरामिड को अगर आप पानी के गिलास के ऊपर रख दो, वो चार्ज हो जाती है पानी। पिरामिड को अगर आप अपने टेबल पे रखते हो ना, तो वो आसपास के जो वहाँ का ऑरा क्लीन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली टैरो रीडर्स हो गए या ऑकल्ट में जितने लोग होते हैं ना, वो पिरामिड पेंसिल वॉन्ड होती है जो ना क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल्स अपने आसपास रखते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, पूरी एनर्जी को बना के रखते हैं, पूरा एक ऑरा बना के रखते हैं आसपास का ना। तो लाइफ में ओके जितने भी ऑकल्ट साइंस में जितने भी साइंस सर है ये क्रिस्टल आपसे को मिल यूज जाएगा क्या? करते हैं। क्या कह रहे हो?
सर ये पिरामिड और विश बॉक्स आपसे मिल जाएगी हमारे कुछ को? है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके सर, और मेरे थैंक। साथ मतलब जब आप क्रिस्टल का कोर्स करोगे तो उसके बाद आप रीसेलिंग भी हम सिखाते हैं, कैसे रीसेलिंग करनी है, कैसे आपको क्रिस्टल आगों को देने हैं। तो हम मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, रीसेल कर रहे हैं और अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं आज के दिन। क्रिस्टल का कोर्स से पैसा सर पता कैसा ये रहेगा? टाइमिंग टाइमिंग है 9 बजे का रहेगा हमारा। और फीस क्या रहेगी? सब ग्रुप में आ जाएगा। ओके, एक ग्रुुप में आ जाएगा? हाँ, जिस जिस ग्रुप में आप है ना उस ग्रुप में आ ओके जाएंगे। हमारे दो ग्रुप चल ओके रहे हैं इस समय, विश्व रेखीय अभियान अध्यात्म, आपको दोनों ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, उसी ग्रुप में आपको पेमेंट करनी है। सर 21 दिन की साधना का भी ग्रुप में बताएंगे तब शुरू करनी है क्या? 21 दिन के साधना देखो कल आपके पास आ जाएगा ना, बताना क्या है, कल आपके पास ऑडियो आ जाएगा, आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। हाँ मतलब उसके बाद में स्टार्ट करनी है। हाँ वो देखिए, जब वो आपके पास ऑडियो आएगा ना, ऑडियो लगाना बैठना, जैसे ऑडियो में बोला जाएगा वैसे वैसे आपने करना है, वो आपने सीख लिया वही बताया जाएगा, उसे अगला कुछ नहीं बताया जाएगा। और सर किस किस्म का क्रिस्टल रखना है विश बॉक्स में? एमिथिस्ट के कोई भी क्रिस्टल, कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल कोई रखना कोई है? भी रख सकते हैं हेमा जी क्या, लेकिन क्या होता है कि जैसे मल्टीपर्पज हमारी विशेष होती है ना, उसमें क्लियर क्वार्ट्स ज्यादा रखा जाता है। क्लियर क्वार्ट्स एक मल्टीपर्पज स्टोन होता है, आप रख सकते हैं जी। विश बॉक्स में। अच्छा, ग्रिड बॉक्स होता है, ग्रिड बॉक्स में भी हम ना पेंसिल क्लियर क्वार्ट्स के रखने को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज क्रिस्टल तो कोई भी है, क्रिस्टल कोई भी रख लोगे, टंबल भी रख लोगे ना, बेनिफिट वो भी देगा। लेकिन पिरामिड रखने से क्या होता है कि वो मैनिफेस्ट होने में फायदा मिलता है। अभी मैंने ग्रुप में डाला, मैं कल फिर डालूंगा कि मैंने जो लास्ट कोर्स कराया था जनवरी के अंदर ना, और हमने अफर्मेशन दी थी उनको कि उनकी बेटी का एक एग्जाम होना था बहुत अच्छा, और एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो प्रॉपर तरीके से हमने बता के बोला, उन्होंने विश बॉक्स में डाला। और आज ही मैसेज आया मेरे पास कि उनकी जो बच्चे का एडमिशन था 96% नंबर आए, और जिस कॉलेज में वो चाहती थी उस कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, ये हैदराबाद का। प्रॉपर तरीके से आप करोगे ना तो आपकी विश पूरी होगी। सर विश बॉक्स का चार्ज क्या है, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। मेरा मुझे मैसेज कर लेना, बता दूंगा मैं आपको। सर फ्री रेकी बैच में आपका आएगा ना इंटीमेशन? किसका? फ्री रेकी बैच 1 जो है व्हाट्सएप पे। हाँ जिस भी ग्रुप में आप है ना, वो आपको आपको आप अगर विश्व रेकी अभियान के ग्रुप में है, अगर आप अध्यात्मराज के ग्रुप में है, तो हर ग्रुप में आपको मैसेज मिलेंगे कब हो रहा है कोर्स हमारा। ओके, फ्री ब्रेक की बैच में मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सर आप क्रिस्टल की फोटो भेज देंगे ना हमको? क्रिस्टल की फोटो भेज देंगे ना, कौन से वाले हैं लेने हैं? आप मेरे नंबर पे आए व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करोगे ना तो मेरी पूरी कैटलॉग मिल जाएगी। अभी अभी आप देखना, अच्छा, मेरे व्हाट्सएप पे जाके, मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, पूरी कैटलॉग मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। चलिए आज के लिए धन्यवाद आपको, मिलते हैं आगे। रिकॉर्डिंग में डाल दीजिएगा ग्रुप में। रिकॉर्डिंग तो 3 दिन की मिली है तो आज ही मिलेगी ना, आज कहने की सर ये वाली। प्रणाम गुरुदेव, सवालों की प्रणाम प्रणाम। गुरु नहीं, गुरु जी हमारे गुरु हैं, हम गुरु नहीं हैं, भाई हैं। अच्छा सर ये सारे रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएंगे 3-4 दिन के? आप पहले फर्स्ट डे आपका? नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, अभी अभी तक मिली नहीं आपको रिकॉर्डिंग 3 दिन की? नहीं भाई, चेक कर लेते सर। आपने फिर क्या चेक किया? आप अगर ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ते, ग्रुप में गुरुजी ने इतना डाला है, इतने मैसेज डाले हैं, अगर आपको ग्रुप में के मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, आप कैसे चलोगे? मिल गई हमको तो, गुरुजी ने इतना मसाला डाला है, इतने 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 सारे उन्होंने टेक्स्ट बना बना के डाले हैं, अपने हाथ से टाइप करके डाले हैं, वही नहीं सब मिल गए? सब सारे मिल गए, सारे पढ़ लिए, सब मिल गए। देखिए जो मैसेज आते हैं ना वो आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप इग्नोर करते हैं, नहीं हमने तो क्लास अटेंड कर ली और ठीक है, नहीं उससे नहीं होगा। एक एक मैसेज, एक एक शब्द जो गुरुजी का लिखा हुआ है ना बहुत इम्पोर्टेंट, क्लियर समझाता है, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, वो देखिए किताबी की जो जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको, पीडीएफ जो आपने देखी है वो जैसे फोटो कॉपी है, वो दुनिया भर के पास हुआ है, लेकिन ये जो मसाला गुरुजी दे रहे हैं ना, ये उनके अपना ज्ञान है, अंतर ज्ञान है जो वो बना बना के आपको दे रहे हैं ना, तो इसकी भी हम पूरी पीडीएफ बना के देंगे, तो इसकी एक एक मैसेज की वैल्यू है, आप इसको समझा करो, इसको लाइटली मत लेना। ये नहीं है कि हमने फ्री का कोर्स करा दिया या आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, फ्री का पैसे नहीं दिए हमने, पूरा 100% दिया आपको, कोशिश करी देने की जितना भी दे सकते थे, ठीक है, तो आपका ही फर्ज बनता है, जितना हमने सिखाया आप उसको ग्रहण करो। गुरु जी दूसरे शहर में जाते भी है क्या? क्या गुरु जी दूसरे शहर में जाते भी है क्या, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं कभी मिलना हो जाए उससे? आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो जिस जिस एरिया में जो अपना ऑर्गेनाइज करना चाहता है कोई सेमिनार ना, तो उस एरिया में जाके हम लोग उनका सेमिनार, उनका सेंटर खुलवा के आ जाते हैं।
तो जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे तो या आपके एरिया में आप कहाँ से रहते हैं, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से है ना। जयपुर में तो देखो हमारा होता रहता, अभी अभी हम 4 अप्रैल को जयपुर में भी थे, तो उसका हम पता खाटू नहीं जी था, भी कहते थे। तब तक पता नहीं तो था। हमारे नरेंद्र भाई जी हैं जयपुर में, हमने लास्ट ईयर 4 अप्रैल को वहां पे बहुत बड़ा सेमिनार किया था, लगभग 250-300 लोग आए थे, उनको 250-300 लोगों को हमने रिकी सिखाई थी एक एक बड़े हॉल के अंदर। तो ये है कि हम जिस जिस शहर के अंदर ग्रैंड मास्टर्स हैं वो अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, तो एक बड़ा प्रोग्राम वहां पे करते हैं हम लोग, और बाकी कहीं ना कहीं मिलना हमारा होता रहता है, जयपुर में हमारा आना होता रहता है मोस्टली ना। आप सर ग्रैंड जैसे मास्टर बन, कहीं आप पैलेस में आगे प्रैक्टिस जाओ के थोड़ा लिए भी सा, कर सकते हैं क्या सर? जल्दी में दिल्ली में होगा जी? दिल्ली में होगा बेटा, आएगा आपके पास ना जब भी होगा, ठीक सर है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर आज नमस्ते। जो रिकॉर्डिंग है उसमें जो मैं मेडिटेशन सर का जो पार्ट है वो रहेगा, क्योंकि सर वो बीच में है ना वॉइस नेटवर्क चले गए थे और फिर पूरा फोन पर पूरा आए एज इट थे। इज ओके रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। सर ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, गुड नाइट।